हेलो एवरीवन वेलकम टू नीट जीत सीरीज दिस इज आदेश फ्रॉम लर्नो हब एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट लर्नो हब डॉट कॉम तो बच्चों हमारी आज की वीडियो हमारे चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स का ही कंटिन्यूएशन वीडियो है जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं द स्टडी ऑफ एन इंसेक्ट कॉल्ड कॉकरोच। तो यहां इस वीडियो में हम कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी को आज डिटेल में स्टडी करने वाले हैं और इससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को करने वाले हैं क्रिस्टल क्लियर सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट गेट स्टार्टेड तो चलिए बच्चों बिगिन करते हैं हमारी आज के सेशन को जहां हम डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल अबाउट दी कॉकरोच तो कॉकरोच की बात की जाए तो सबसे पहले तो कॉकरोच आप सभी ने देखा होगा राइट आपके घरों में आपके किचन में आपके वॉशरूम्स में या फिर ऐसी पब्लिक प्लेसेस जहां पर थोड़ी डर्ट है राइट आप सभी ने कॉकरोच देखा है एंड आई नो मेजोरिटी ऑफ लोगों को ये क्रीचर बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा इनफैक्ट आई डोंट लाइक इट बट स्टिल हमको ये पढ़ना है इन डिटेल बिकॉज ये हमारे नीट सिलेबस का पार्ट है सो so, हम यहाँ इन डेप्थ कंसिडर करने वाले हैं दी एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच बट उस डिटेल में जाने से पहले हम कॉकरोच के जनरल फीचर्स को यहाँ डिस्कस कर लेते हैं सो कॉकरोचेस बेसिकली ब्राउन और ब्लैक बॉडीड एनिमल्स हैं राइट right? सो so, एक नॉर्मल कॉकरोच आपको कुछ ऐसा सा दिखाई देता है राइट right? तो so, आप इसको एनिमल कंसिडर करते हैं बिकॉज ये इनसेक्ट है तो इन्से सो दे आर ब्लैक और ब्राउन बॉडी बार आपको ये different other colors में भी देखने को मिले हैं स्पेशली इन द ट्रॉपिकल रीजन्स ये आपको सेवन अदर कलर्स में भी रिपोर्ट किए गए लाइक देवर सीन टू बी ब्राइट येलो ओके ये ग्रीन कलर और रेड कलर के कॉकरोच भी वहाँ रिपोर्ट किए गए हैं इन द ट्रॉपिकल रीजन सो दिस इज एन इम्पोर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन अगर साइज की बात की जाए कॉकरोच की तो कॉकरोच का जो साइज होता है वो यू नो क्वार्टर इंच यानी कि वन फोर्थ ऑफ एन इंच टू टू इंचेस तक आपको देखने को मिल सकता है एंड ये होते हैं नॉक्टर्नल ओमनिवर्स दैट मीन्स ये आपको यूजुअली नाइट में देखने को मिलेंगे एंड दे फीड ऑन ऑलमोस्ट एवरीथिंग एंड दैट इज वाई दे आर ओमनीस ठीक है आई होप दैट्स क्लियर अगर बात की जाए ये कहाँ पाए जाते हैं तो यूजुअली आपने इनको अपने किचन के सिंक में या फिर बाथरूम्स में जहाँ डैम्पनेस होती है सो so जहाँ भी डैम्प प्लेस होंगी थ्रू आउट द वर्ल्ड वहाँ ये आपको थ्राइव करते हुए देखने को मिलते हैं राइट सो दे आर यूजुअली सीन इन डैम प्लेसेस अक्रॉस द वर्ल्ड एंड ये बहुत ही सीरियस पेस्ट हैं क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों को यू नो डिस्ट्रॉय कर देते हैं एंड दे आर द वेक्टर्स ऑफ सेवरल डिजीजेस तो ये डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस को कैरी करते हैं अपने साथ और यू you नो know, कई बारी बहुत सारी डिजीजेस स्प्रेड करने के लिए भी इनका सबसे बड़ा रोल होता है एंड दैट इज वाई मोस्ट पीपल हेट दिस इंसेक्ट ओके तो चलिए अब हम आगे की स्टडी को बिगिन करते हैं जहाँ पर हम इस कॉकरोच की एक वैरायटी को स्टडी करने वाले हैं इसी की स्पीशीज विच इज द अमेरिकन कॉकरोच तो चलिए बच्चों बिगिन करते हैं आवर स्टडी ऑन आवर अमेरिकन कॉकरोच, राइट तो अमेरिकन कॉकरोच की सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे दी सिस्टमेटिक पोजीशन। तो सिस्टमैटिक पोजीशन में हम ये देखते हैं कि ये पर्टिकुलर इंसेक्ट इंटायर किंगडम एनिमेलिया में किन टैक्सोनॉमिक पोजीशंस को ऑक्यूपाई करता है तो अगर बात की जाए इसकी किंगडम की तो सिंस ऑब्वियसली ये इंसेक्ट है तो डेफिनेटली एक एनिमल है इसका मतलब ये बिलोंग करेगा टू किंगडम एनिमेलिया और अगर हम चलते हैं उसके नीचे वाली रैंक पे दैट इज फाइलम तो फाइलम ये बिलोंग करता है टू द आर्थ्रोपोडा सो आप जानते हैं आर्थ्रोपोडा आर्थ्रो मीन्स होता है जॉइंटेड पोडा मीन्स लेग इसका मतलब ऐसे एनिमल्स या इंसेक्ट्स के पास आपको जॉइंटेड लेग्स देखने को मिलेंगे ओके साथ ही साथ अगर बात की जाए इसकी क्लास की तो इट बिलोंग्स टू द क्लास इंसेक्टा ऑब्वियसली बिकॉज ये एक इंसेक्ट है ओके एंड ऑर्डर की बात की जाए तो ऑर्डर इसका है ऑर्थोपटेरा सो ऑर्थो मीनस होता है स्ट्रेट एंड टेरा मीन्स फॉर तो दे हैव स्ट्रेट्स हैंड्स बिलोंग टू दर्थो टेरा एंड इस अमेरिकन काकरोच का साइंटिफिक नेम होता है पेरी प्लानिटा अमेरिकाना दैट मीन्स ये इसके जीनस और स्पीसीज को भी रिप्रजेंट करेगा सो द जीनस वुड बी पेरी प्लेटा एंड स्पीशीज वुड बी अमेरिकाना एंड अमेरिकाना क्यों भाई क्योंकि मैंने आपको बताया था स्पीशीज मोस्ट ऑफ द केसेस में एडजेक्टिव की तरह बिहेव करती है वो रिलेट करती है कि वो पर्टिकुलर जीनस जो है वो किस टाइप को बिलोंग कर रहा है दैट मीन्स सिंस ये एक अमेरिकन कॉकरोच है तो इसीलिए इसकी स्पीशीज हो जाती है अमेरिकाना सो आई होप सिस्टमैटिक पोजिशन ऑफ द अमेरिकन कॉकरोच आप सभी को क्लियर हुई होगी तो चलिए बच्चों बिगिन करते हैं विद एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ अमेरिकन कॉकरोच तो सबसे पहली बात इस कॉकरोच के कलर की तो ये कॉकरोच हमेशा आपको डार्क ब्राउन कलर का देखने को मिलता है ओके और बात की की जाए अगर इसकी साइज तो इसकी जो लेंथ है वो 34 फोर मिलीमीटर टू 53 थ्री मिलीमीटर तक देखने को मिल सकती है सो दैट इज अबाउट इट्स साइज राइट और अगर बात की जाए इनकी बॉडी की डिवीजन की तो आपको पता है सिंस ये जो इंसेक्ट है ये बिलोंग करता है और करता था को मिलेगी आपको सेगमेंटेड और वो बेसिकली तीन रीजन या पार्ट्स में डिवाइडेड होगी कौन कौन से है वो पार्ट तो आइए देख लेते हैं सबसे पहला जो पार्ट है दैट इज राइट तो फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड दू की बिल्के बनता है बाय द फ्यूजन ऑफ सिक्स सेगमेंट्स ओके देन वी हैव द नेक्स्ट पार्ट विच इज एक्स जो कि मिलकर बनता है फ्रॉम थ्री सेगमेंट्स एंड लास्टली जो लास्ट पार्ट होता है दैट इज दब और अबडोम बाय द टेन सेगमेंट्स बट ये जो टेन सेगमेंट्स हैं ये अडल्ट कॉक्रोच में देखने को मिलते हैं जब ये कॉकरोच एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है तब उसके पास एक्चुअली होते थे इलेवन सेगमेंट्स बट वन ऑफ द सेगमेंट फ्यूज विदर और वो बन जाते हैं टेन सेगमेंट्स तो देखिए अगर मैं इन तीन रीजन को रिप्रेजेंट करूं तो ये टॉप वाला रीजन हैजेंट कर रहे हैं सेगमेंट आर गोइंग टू बी देर यहां पर थ्री सेगमेंट टू बी देयर एंड जो रिमेनिंग जितने भी सेगमेंट यहां बचे हैं दे आर गोइंग टू कॉन्स्टिट्यूट दबड सो नेक्स्ट पार्ट वुड बी एबडोमिन जिसमें आपको देखने को मिलेंगे टेन सेगमेंट्स सो इस तरीके से आप देखेंगे कैसे कॉकरोच की जो बॉडी है वो सेगमेंटेड होती है डिवाइडेड होती है इन टू वेरियस सेगमेंट्स ओके

काइटन तो सिमिलरली सिंस कॉकरोच एक सिमिलरलींस है डेफिनेटली इसका भी एक्सोस्केलेटन कायटन का बना होगा और कायटन मैंने बोला ये कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है तो इसका मतलब ये रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बनी होगी ना राइट सिंस ये पॉली वर्ड डिनोट कर रहा है दैट मींस इसमें बहुत सारे मोनोमर्स जो हैं वो ज्वाइंट होंगे टुगेदर तो इसका मतलब कायटन एक पॉलीमर है वो भी होमोपॉलीमर और जो रिपीटिंग यूनिट्स जो इसको मिलकर बना रहे हैं दे आर गोइंग टू बी कॉल्ड द

प्लेट नजर आ रही हैं, राइट right? ये जो स्ट्रक्चर्स आपको रिप्रेजेंट कर रहे जा रहे हैं दे आर रिप्रेजेंटिंग दी एक्सो स्केलेटन ऑफ दी कॉकरोच ठीक है और डिपेंडिंग अपॉन देखिए सबसे पहले तो ये जो एक्सो है ना ये इनकी एंटायर बॉडी को कवर कर रहा है इसका मतलब इनकी बॉडी सिंस आप जानते हैं सेगमेंटेड है तो अलग अलग सेगमेंट्स में ये डेफिनेटली उनको कवर कर रही होगी और ये जो आपको एग्जोसकेलेटन है ना ये काइटन की प्लेट्स के फॉर्म में नजर आता है मतलब ये एंटायर एक कंप्लीट प्लेट नहीं है ये हर सेगमेंट पे आपको अलग अलग प्लेट देखने को मिलेगी ऑफ दिस एग्जोसकेलेटन जिन्हें हम बुलाते हैं स्क्लेराइड्स ओके तो जो, जो जनरल टर्म है फॉर ऑल दीज काइटिनस प्लेट्स जो इनकी बॉडी को कवर कर रही हैं दे आर कॉल्ड स्क्लेराइड्स अब डिपेंडिंग अपॉन कि ये कौन सी स्क्लेराइड कौन सी बॉडी वॉल को ऑक्यूपाई कर रही है इनके नाम बदल जाएंगे तो वो स्क्लेराइड जो कि कवर कर रही है द डोर्सल सरफेस ऑफ द कॉकरोच डोर्सल साइड आप जानते हैं ना द बैक साइड तो इनका जो बैक साइड पे आपको काइटिन की प्लेट्स देखने को मिल रही हैं देखिए दीज प्लेट्स आर गोइंग टू बी कॉल्ड द टर्ट्स ओके तो टर्गस क्या है डोर्सल कलेराइड्स ठीक है

द बेली साइड ऑफ द बॉडी और साथ ही साथ आपको यू you नो know, जो इनकी लेटरल वॉल्स है हमने इनकी, इनकी साइड की बात कर ली अब इनकी जो लेटरल वॉल्स है साइड वॉल्स जो कि आपको यहाँ पर देखने को प्रॉपरली नहीं दिख रही हैं बट आप देखिए यहाँ साइड्स में भी इनकी एग्जोसन देखने को मिलेगा काइट इनका वो भी प्लेट्स होंगी और उन प्लेट्स को हम बुलाते हैं प्लूराइड ओके okay? जिनका सिंगुलर हम प्लुरॉन भी ले सकते हैं सो दिस इज गोइंग टू बी कवरिंग द लेटरल साइड्स, ओके ओके तो इसको हम यहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय दिस व्यू तो देखिए यहां पर ये जो डोर्सल साइड पे रिप्रेजेंट कर रही है द काइटनस प्लेट दिस इज गोइंग टू बी द टर्ट और simply टर्गम क्योंकि हम यहां एक की बात कर रहे हैं राइट right? और वेंट्रल साइड पे आपको देखने को मिल रही है एक और यू नो काइटन प्लेट विच इज कॉल्ड दिस टर्नम और जो लेटरल साइड में इनको ज्वाइन कर रही है दे आर गोइंग टू बी द प्लूरॉन ठीक है तो टर्गम की मल्टीपल आपको जब प्लेट देखने को मिलेंगी आप उसको बुलाएंगे टर्गाइट स्टर्नम की आपको जब मल्टीपल प्लेट देखने को मिलेंगी यू विल कॉल देम मिलेंगे और प्लुरॉन की आपको जब मल्टीपल प्लेट देखने को मिलेंगी तो आप बुलाएंगे उन्हें ओके तो देखिए जो तो डॉर्सल साइड है डॉर्सल साइड से आपको यहां पर विंग्स अराइज करते हुए देखने को मिल रहे हैं ना इसी टर्गम से और इस वेंट्रल साइड से यानी कि स्टर्नम से आपको अराइज करते हुए दिख रहे हैं ये जॉइंटेड लेग्स ओके जो कि वॉकिंग पर्पज से यूज किए जाते हैं और ये सारी की सारी जो प्लेट्स है ना ये आपस में कनेक्टेड है सो so, ये कनेक्टेड होती हैं आपस में बाय अ थिन फ्लेक्सिबल यू नो आर्टिकुलर मेम्ब्रेन जिन्हें हम बुलाते हैं द आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन तो ये सारे के सारे जो आपको प्लेट्स या स्क्लेट देखने को मिलेंगे दे आर गोइंग टू बी जॉइंट टुगेदर बाय मेम्ब्रेन आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन तो आई होप ऑल दीस थिंग्स रिलेटेड टू द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी इज वेरी वेल क्लियर तो भाई बच्चों अब हम डील करने वाले हैं विद द वेरियस रीजन ऑफ द बॉडी ऑफ़ कॉकरोच तो मैंने आपको बताया था कि की में होती है. कौन कौन से थे वो head, thorax, okay? तो हम बिगिन कर रहे हैं फर्स्ट रीजन विच इज हेड के बारे में मैंने आपको बताया था, ये मिलके बनते हैं बाय द फ्यूजन ऑफ सिक्स सेगमेंट्स यानी कि सिक्स फ्यूज सेगमेंट से कॉकरोच का बनता है हेड, ओके okay? और इनका जो हेड है वो होगा ट्रायंगुलर, तो देखिए इनका हेड इज ट्रायंगुलर एंड ये लाया करता है परपेंडिकुलर टू द लॉन्जिट्यूडनल तो जो बॉडी एक्सिस है इनका उसके ये परपेंडिकुलर लाया करेगा तो इमेजिन कीजिए कॉकरोच की सपोज बॉडी एक्सिस आपको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूं सी कुछ इस तरीके से इनका आपको हेड नजर आएगा तो so, देखिए ये इसका बॉडी एक्सेस है जो कि ऐसे जा रहा है ओके okay? और इनका जो हेड है वो देखिए इस तरीके से परपेंडिकुलर है टू दिस बॉडी एक्सेस तो इसका मतलब इनकी जो बॉडी एक्सेस हेड का पोजीशन है दैट इज गोइंग टू बी एट 90 डिग्रीज ठीक है और इनका जो आपको हेड रीजन है वो अंदर की तरफ बेंट नजर आएगा तो ऐसा जो फेस या हेड होता है दैट इज कॉल्ड हाइपोगनाथस ज समथिंग विच इज गोइंग टू बी बेंड इनवर्ट जो अंदर की तरफ बेंड होता है that is the head. तो रफली ट्राइंगुलर हेड आपको देखने को मिलेगा देखिए इस फिगर में आप देखिए इसका जो आपको हेड देखने को मिल रहा है ठीक है और देखिए बॉडी एक्सेस ऐसे जारी है और ये इसका जो फेस है वो अंदर की तरफ ऐसे बेंड हो रहा है एट नाइंटी डिग्रीज एंडाइम इनवर्ट ऑल्सो तो ऐसा टाइप का फेस है हाइपोग्थस ओके okay. अगर बात की जाए ये जो सिक्स फ्यूज सेगमेंट है ना ये फ्यूज हो जाएंगे तो दे विल फॉर्म द हेड कैप्सूल ठीक है तो जो हेड कैप्सूल है वो चार स्ट्रक्चर्स प्रोजेस करता है कौन कौन से हैं वो स्ट्रक्चर तो सबसे पहले वो स्ट्रक्चर जो कि इस हेड को इनके थोरैक्स यानी कि जो थोरेसिक रीजन है उससे जॉइन करके रखेगा दैट इज गोइंग टू बी द नेक और वो जो नेक है ना वो इनके हेड और ये थोरेक्स के बीच में पीछे की तरफ आपको नजर आएगी तो आपको यहाँ क्लियरली विजिबल नहीं है बिकॉज ये जो यू नो फर्स्ट थोरेसिक सेगमेंट है ना वो उसको कवर कर लेता है तो इनका जो नेक है वो उसको कनेक्ट कर रहा है विद द थोरेसिक रीजन और द थोरेक्स ठीक है तो दे हैव अ फ्लेक्सिबल नेक जो कि मूव कर सकती है ओके okay? देन आपको देखने को मिलेगी अ पेयर ऑफ कंपाउंड आइज तो आपको यहां पर सिंपल आईज नहीं देखने को मिलेंगे तो देखिए आपको यहां पर दो बड़ी कंपाउंड आईज देखने को मिल रही हैं राइट right? तो आइए मैं यहाँ आप पर आपको रिप्रेजेंट भी कर देता हूँ इनके हेड के रीजन को तो देखिए समवर्ट कुछ इस तरीके से इनका हेड नजर आएगा आपको जहां पर आपको सिक्स सेगमेंट्स नजर आते हैं सो so, मैं यहाँ पर वो सिक्स सेगमेंट्स ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ सो so, ये फर्स्ट टू सेगमेंट्स हैं देन ये नेक्स्ट टू सेगमेंट्स हैं एंड यहां पर ये दो और सेगमेंट्स हैं। तो ये वाला वाला जो नीचे वाला रीजन है माउथ पार्ट ऑफ कॉकरोच जिसे हम बुलाते सेगमेंट so, नहीं है ये माउथ पार्ट है ऑफ कॉकरोच विच इज रिप्रेजेंटिंग दी अपर लिप तो डोंट गेट कंफ्यूज ये लास्ट वाला जो पोर्शन है दैट इज नॉट अ फ्यूज सेगमेंट तो ये है अपर लिप और बाकी के रिमेनिंग जो है दीज आर सेगमेंट्स ओके सो यहां आप देखोगे इस फर्स्ट टू सेगमेंट जिन्हें हम एपिक्रेनियल प्लेट्स बुलाते हैं यहां पर प्रेजेंट होती हैं दो लार्ज कंपाउंड आइज ओके सो यहां प्रेजेंट है द कंपाउंड आइज ऑफ द कॉकरोच ओके सो यहां पर आपको पेयर ऑफ कंपाउंड आइज देखने को मिल रही हैं जो कि यहां ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट की जा रही है ठीक है देन अगर आपको देखेंगे आपको देखने को मिलेंगे अ पेयर ऑफ एंटिने ओके जो कि सेंसरी रिसेप्टर्स रिसे करते हैं तो देखिए यहां पर अगर आप इस फिगर को देखेंगे तो देखिए के आगे आपको इस सी में दो एंटीने you know, -like uh, you know, नजर आ रहे हैं कमिंग आउट इन फ्रंट ऑफ द आईज जो कि आउट हो रहे हैं फ्रॉम मेम्ब्रेनस सॉकेट्स तो अगर आप देखेंगे तो यहां पर आइज के सामने यहां पर मेम्ब्रेनस सॉकेट से आपको एंटीने निकलते हुए नजर आते हैं और कैसे निकलेंगे ये तो देखिए ये है सपोज वो सॉकेट ओके okay? और इस सॉकेट से आपको ये अराइव करते हुए नजर आएंगे और ये जो एंटीने ये भी होते हैं सेगमेंटेड दैट मींस अगर आप देखेंगे इसका ये फर्स्ट सेगमेंट है देन इसका स्मॉलर सेगमेंट है और एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है विच इज कॉल्ड द फिलामेंट और इन पर प्रेजेंट होते हैं ये ब्रिसल्स और ये जो ब्रिसल्स होते हैं ये इनको सेंसरी नेचर प्रोवाइड करते हैं दैट मीन्स यहाँ ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये इनको यू नो परसीव करने में हेल्प करते हैं क्या क्या परसीव कर सकते हैं ये ये जो रिसेप्टर्स हैं दे आर थर्मल दैट मीन्स ये टेम्परेचर को फील या परसीव कर सकते हैं ऑल फैक्ट्री दैट मीन्स ये यू नो स्मेल को परसीव कर सकते हैं एंड दे आर टच रिसेप्टर्स दैट मीनस ये यू you नो know, किसी भी चीज को जब टच करेंगे तो उसको फील कर सकते हैं सो दे आर गोइंग टू बी ऑल फैक्ट्री थर्मल एज वेल एज टच रिसेप्टर्स जो कि प्रेजेंट होंगे इन ठीक है एंड लास्टली वी हैव द माउथ पार्ट्स जो कि स्पेशली आपको याद रखना है इनका माउथ पार्ट्स कैसे होते हैं माउथ आर बाइटिंग एंड टाइप यानी कि दे विल बाइट द फूड एंड देन दे इट सो दैट इज हाउ हाउन माउथ पार्ट्स आर ओके तो ये तो था अबाउट द हेड रीजन ओके तो आइए बच्चों हम अपने head region के ही एक पार्ट को और डिटेल में स्टडी कर लेते हैं विच आर द माउथ पार्ट्स। ओके तो कॉकरोच के माउथ पार्ट्स आपको बेसिकली फाइव देखने को मिलते हैं दैट मींस फाइव पार्ट्स मिलके बनाते हैं द माउथ ऑफ कॉकरोच। तो देखिए कौन कौन से हैं वो पार्ट्स? सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा एक अपर लिप विच इज कॉल्ड लैब्रम ठीक है तो आपको यहां पर माउथ पार्ट सेपरेटली ड्रॉ किए हुए नजर आ रहे हैं जिसमें से ये जो अपर रीजन है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द अपर लिप विच इज अब एक अपर लिप प्रेजेंट है तो लोअर लिप भी होगा और लोअर लिप को हम बुलाते हैं द लेबियम सो लैब्रम इज द अपर लिप लेबियम इज द लोअर लिप और लेबियम से अराइज करते हुए आपको ये जॉइंटेड सेगमेंटेड स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं विच आर कॉल्ड लेबियल पैल्स ओके सो दीज आर दी लेबियल पैल्स अब आप देखेंगे तो आपको यहां पर ना दो यू नो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं दैट इज अ पेड़ स्ट्रक्चर और ये जो पेड स्ट्रक्चर्स हैं ये आपको देखेंगे अगर आप ध्यान से तो आपको यहां पर कुछ टीथ स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे सो दे आर टीच इसका मतलब यहाँ पर इनमें कुछ इंसिजन हैं और ये बेसिकली क्या कर रहे हैं ये दो स्ट्रक्चर्स यू नो अपनी टीथ लाइक मोशन से इस तरीके से क्लोज आएंगे और बार बार जो भी फूड इनके बीच में आएगा उसको क्रश करेंगे वेरियस यू नो टाइनी पार्टिकल्स तो इसका मतलब ये जो आपको पेड स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं दे आर कॉल्ड कॉल्डेबल्स ओके तो जो हैं दे दे आर एंड हेल्प इन क्रशिंग द फूड पार्टिकल्स इन टू टाइनी पीसेस ओके एंड साथ ही साथ एक और पेड स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा दैट इज कॉल्ड द मैक्सिला ओके तो मैक्सिले आपको यहां देखने को मिल रहे हैं सो so, देखिए ये जो पेड स्ट्रक्चर आपको यहां नीचे देखने को मिल रहे हैं दे आर गोइंग टू रिप्रेजेंट दी मैक्सिले ओके और यहां पर इन मैक्सिला से भी आपको राइज करते हुए दिख रहे हैं दीज सेगमेंटेड स्ट्रक्चर्स और ये कहलाते हैं दी मैक्सिलरी पैल्स और इनका काम क्या होता होगा ये मैक्सिलरी पैल्स फूड पार्टिकल को यू नो होल्ड करके रखते हैं वाइल जब ये मैंडेबल्स उसको क्रश कर रहे हो ठीक है तो उनको होल्ड करके रखने का काम करेंगे दिस मैक्सिलरी आई होप इज क्लियर और इन यू you नो know, चार पार्ट से जो माउथ बन रहा है उसकी कैविटी उनके अंदर की जो होलो स्पेस है ना उसमें आपको एक और स्ट्रक्चर देखने को मिलता है विच इज कॉल्ड दाइपोफेरिंग्स ठीक है तो हाइपो बेसिकली एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि टंग की तरह एक्ट करता है means, ये टंग की तरह फूड को स्वॉलो करने में हेल्प करेगा सो अनदर पार्ट जो आपको देखने को मिलेगा वो होगा और वो करेगा एज अ टंग और इसी हाइपोफेरिंग्स के बेस पे ओके सम वॉट ओवर हियर आपको ओपन करती हुई नजर आएगी दी ग्लैंड तो आगे जब हम इनका डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वहां पर आपको सलाइवरी ग्लैंड देखने को मिलेंगी तो इन सलाइवरी ग्रांड्स की जो डक्ट है वो ओपन होती है एट द बेस ऑफ दिस हाइपोफेरिंग्स सो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा रिगार्डिंग दी माउथ पार्ट्स तो आइए देखते हैं ये जो सेपरेट माउथ पार्ट्स आपको यहाँ रिप्रेजेंट किए गए हैं ना जब ये अरेंज किए जाते हैं ऑन दी हेड ऑफ़ दी कॉकरोच तो वो कैसे नज़र आते हैं तो आइए देखते हैं तो आइए बच्चों अब हम देखते हैं कि कैसे वेरियस माउथ पार्ट्स अरेंज होते हैं कॉकरोच के हेड में तो देखिए कॉकरोच के जो माउथ पार्ट्स हैं वो यहाँ पर रिप्रेजेंट किए गए हैं विथ डिफरेंट कलर्स तो देखिए यहाँ पर ये यह जो पर्पल स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द लैब्रम और द अपर लिप तो ये जो पर्पल स्ट्रक्चर है ना ये कॉकरोच के जो वेरियस फ्यूज सेगमेंट्स हैं उससे अटैच है उसके एक सेगमेंट से और जिस सेगमेंट से अटैच होता है उस फ्यूज सेगमेंट को हम बुलाते हैं द क्लाइपियस ठीक है तो ये जो स्ट्रक्चर जिससे ये पर्पल स्ट्रक्चर अटैच है विच इज द अपर लिप वो अटैच है टू तो दिस फ्यूज सेगमेंट कॉल्ड क्लाइपियस ठीक है तो ये है आपका अपर लिप अब अगर मैं इस अपर लिप को रिमूव कर देता हूं तो इसके नीचे आपको दो ऐसे यू नो स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं जो येलो कलर से हैं रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये आपको सिर्फ उनका बाहर बाहर से ही स्ट्रक्चर नजर आ रहा है अगर आप इसको अंदर से देखना चाहेंगे तो आपको इस अपर लिप को रिमूव करना होगा तो यहां पर वो अपर लिप रिमूव है ओके इस फिगर में तो देखिए यहां पर आपको ये कैसे काइटेनस यू नो टीथ लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं सो so, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं टीथ लाइक like, ये बेसिकली इन साइज कट्स हैं तो ऐसे में क्या होगा जब ये मैंडेबल्स ऐसे क्लोजर आएंगे तो वॉट विल हैपन जो फूड पार्टिकल्स यहाँ बीच में हैं वो क्रश हो जाएगा into finer pieces. तो इन टू फाइनर पीसेस तो यानी कि दीज आर गोइंग टू रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ मैंडेबल्स आई होप दैट इज क्लियर ठीक है अब देखिए इन मैंडेबल्स के नीचे भी आपको अगेन पेयर स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं ओके okay, जो कि यहाँ ऑरेंज कलर से रिप्रेजेंट हो रहे हैं और इनसे अराइज करते हुए नजर आ रहे हैं आपको ये यू नो जॉइंटेड सेगमेंटेड स्ट्रक्चर्स तो ये जो ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है बिलो द दे आर कॉल्ड द मैगजिले तो सिंगुलर अगर हम यहाँ पर मार्क कर रहे हैं तो वी विल राइट सिंपली मैग्जिला और इन मैग्जिला से अराइज कर रहे हैं दीज यू नो जो कि जॉइंटेड हैं दे आर रिप्रेजेंटिंग द मैगजिलरी पैल्स आई होप दैट्स क्लियर ठीक है तो मैक्सिलरी पैल्प की पोजिशन आपने देख ली कि किस तरीके से आपको यू नो बिलो मिलेगी और उसके भी नीचे आपको देखने को मिलता है the lower lip which is the labium, और labium से कर रहे हुए आपको दिख रहे हैं दिज अगेन सेगमेंटेड स्ट्रक्चर विच आर कॉल्ड द लेबियल पैल्स तो देखिए इस मैक्सिला के नीचे आपको ये ब्लू कलर से जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं दे आर रिप्रेजेंटिंग द लेबियम और ये है लेबियम और इससे अराइव कर रहे हैं द लेबियल पैल्स ओके सो यहां पर ये जो अपेंडिजे आपको नजर आ रहे हैं दे आर रिप्रेजेंटिंग द लेबियल तो आई होप इन सारे पार्ट्स का अरेंजमेंट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा ओके तो दीज वर हाउ द माउथ पार्ट्स जो हैं वो अरेंज होते हैं इन द हेड ऑफ द कॉकरोच तो आइए बच्चों एक वीडियोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन से समझ लेते हैं द वेरियस रीजन ऑफ दी हेड एंड जितने भी पॉइंट्स हमने कवर किए हैं अभी तक कॉकरोच से रिलेटेड तो देखिए मैंने आपको बताया था इनका जो बॉडी एक्सेस है वो इस तरीके से जा रहा है राइट तो इसके परपेंडिकुलर आपको देखने को मिल रहा है इसका हेड और यहां पर ये इसका शॉर्ट नेक है जो कि कवर्ड है बाय दिस थोरोसिक सेगमेंट ठीक है ओके okay. तो यहाँ पर ये यह इसका नेक है और देखिए इस हेड को अगर आप ध्यान से देखेंगे वो ट्रायंगुलर ट्राइंग करेगा जिसमें आपको ये दो लार्ज कंपाउंड आईज देखने को मिल रही हैं और उसी के आगे आपको यहां पर पेड एंटीना नजर आ रहे हैं तो देखिए ये जो एंटीना है ये अराइव कर रहा है फ्रॉम दी मेम्ब्रेनस सॉकेट्स ठीक है और देखिए ये एंटीना कैसे सेगमेंटेड है वेरियस सेगमेंट इसमें आपको नजर आएंगे ओके ओके और इसका जो फ्यूज्ड हेड है उसमें आपको नीचे की तरफ नजर आएगा द अपर लिप तो देखिए यहां पर इन द सेंट्रल रीजन ये आपको अपर लिप नजर आ रहा है जो मूव कर रहा है देखिए और यहां से आपको अराइज करते हुए नजर आ रहे है, हैं हैं है दैग्जिलरी पैल्प और साथ ही साथ आपको कुछ छोटे से स्ट्रक्चर्स भी अराइज करते हुए नजर आ रहे हैं दी स्ट्रक्चर्स ये छोटे वाले जो आपको पैल्प कॉल्ड द लेबियल पैल्प जो कि अराइज कर रहे हैं फ्रॉम द

हेड, ओके okay? और जो नेक्स्ट थ्री सेगमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे दे आर गोइंग टू बी रिप्रेजेंटिंग दी ओके, और ये जो थोर है ये मिलके बना हुआ है तीन सेगमेंट से तो, तो सबसे जो क्लोजेस्ट सेगमेंट है टू द हेड दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड द प्रो थोरैक्स ओके फिर मुझे मिडिल सेगमेंट आपको देखने को मिलेगा दिस इज गोइंट टू बी कॉल द मीजो थोरैक्स ओके दिस इज मीजो थोरैक्स एंड जो लास्ट सेगमेंट आपको देखने को मिलता है अमॉंग ऑल दीज थ्री वुड बी दो ये तीन सेगमेंट बना रहे हैं द थोरसिक रीजन ऑफ द कॉक्रोच बॉडी और इन तीनों ही रीजन से आपको अ पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स अराइज करते हुए नजर आ रहे हैं तो मैं एक ही साइड के आपको लेग्स बना के दिखा देता हूं तो देखिये यहां पर हर सेगमेंट से आपको अराइज करेंगे दर ऑफ वॉकिंग लेग्स जो कि पांच रिपीटिंग ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर से मिलकर बना है विच आर कॉल्ड दोडोमिय दे आर द पोडो मियर्स ओके तो ये इनके आपको नजर आ रहे हैं दॉकिंग लेग्स एंड दे आर ज्वाइंटेड तो ज्वाइंटेड लेग्स का होना आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है दैट दे आर गोइंग टू बी मेंबर्स ऑफ

ओपेक एंड लेदरी तो ये आपको बहुत ही थिक नजर आएंगे ये बिल्कुल यू नो ओपेक हैं इनसे आप कोई भी लाइट पास नहीं कर सकती है एंड साथ ही साथ दे आर लेदरी इन अपेयरेंस तो ऐसे जो यू नो पेयर ऑफ विंग्स हैं इनका फंक्शन होगा टू प्रोटेक्ट द बॉडी ऑफ कॉकरोच और ये अराइव करते हैं फ्रॉम द मीजोथोरक्स ओके एंड साथ ही साथ अगर बात की जाए कैसे ये जो फीचर है यानी कि टेगमिना

वेरी यू नो थिन एंड ट्रांसपेरेंट तो बेसिकली ये थिन और ट्रांसपेरेंट विंग्स होते हैं जो कि कॉकरोच को एक्चुअली फ्लाई करने में हेल्प करते हैं सो दे आर यूज इन फ्लाइट वाइट अगर हम बात करें फोर विंग्स की तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं टू द कॉकरोच बॉडी बिकॉज ये थिक और ओपेक होते हैं ओके ये सारे फंक्शंस हैं अबाउट द विंग्स ऑफ दी कॉक्रोच जो कि अराइज करते हैं फ्रॉम द थोरोसिक रीजन सो रिमेंबर फोर विंग्स अराइज करते हैं फ्रॉम द सेकेंड थोरोसिक सेगमेंट विच इज कॉल्ड

सो so, कुछ और इंपॉर्टेंट फीचर्स जो कि एबडोमिनल सेगमेंट से रिलेटेड आपको याद रखने हैं दैट इज सबसे पहले अगर हम दोनों सेक्सेस की बात करें यानी कि मेल एंड फीमेल की तो दोनों के ही सेगमेंट से आपको करते हुए नजर आ रहे हैं द जॉइंटेड हैंटल स्ट्रक्चर यानी कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको राइज करते हुए नजर आ रहे हैं विच आर गोइंग टू रिप्रेजेंट दी एनल सरसाई जो कि सेंसरी इन नेचर होते हैं ओके okay? सो so, यहां देखिए आपको मेल एंड फीमेल बॉडी के एबडोमिनल कुछ लास्ट सेगमेंट्स बताए गए हैं और यहां आप टेंथ सेगमेंट से राइज करते हुए देख रहे हैं कुछ फिलामेंट स्ट्रक्चर्स विच आर थ्रेड लाइक राइट एंड इनको हम बुलाते हैं दी एनल सर्कस दैट इज सिंगुलर टर्म एंड प्लूरल टर्म वुड बी एनल सरसाए ठीक है ओके अगर हम देखें एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर की दैट इज़ जो कि मेल प्रोजेस करते हैं और फीमेल्स के केस में नहीं देखने को मिलता है इन कॉकरोच दैट इज मेल के पास आपको सेगमेंट से करते हुए नजर आ रहे हैं अनदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड द एनल स्टाइल्स और दी कॉडल स्टाइल्स तो यहाँ आप मेल्स के केस में देखेंगे मेल्स के नाइन्थ अपडोमिनल सेगमेंट से आपको यहाँ पर कुछ यूनो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स अराइज करते हुए नजर आ रहे हैं ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं दे आर गोइंग टू रिप्रेजेंट दी एनल स्टाइल जो कि सिर्फ मेल में प्रेजेंट है एंड इट इज गोइंग टू बी एब्सेंट इन केस ऑफ फीमेल्स सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये भी आपको एक मेल कॉकरोच को फीमेल कॉकरोच से यू नो डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करेगा सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर इसको आप ज़रूर याद रखिएगा ओके एंड लास्टली एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं तो यहाँ पर ये जो अब्डोमल सेगमेंट्स होते हैं ना उनके पास आपको जेनाइटल पाउच या ब्रूट चेंबर्स देखने को मिलते हैं जो कि यू नो वेरियस सेगमेंट्स बनाते हैं इन केस ऑफ मेल एंड फीमेल सेपरेटली तो मेल एंड फीमेल के केस के में ये जो जोनाइटल पाउच या ब्रूट चेम्बर्स हैं ये अलग अलग सेगमेंट्स की अलग अलग वॉल्स जो है वो मिलकर बना रही है और देखते हैं कौन कौन सी वॉल्स या सेगमेंट्स मिल बनाते हैं जेनाइटल पाउच या चेम्बर्स को इन केस ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स तो आइए बच्चों देखते हैं कि कैसे जनाइटल पाउच यहाँ पर फॉर्म होते हैं इन केस ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स तो मेल कॉकरच की अगर बात करें तो ये जो जोनाइटल पाउच है ये मिलकर बनता है बाई दी नाइन्थ एंड देंथ टर का

टेंथ सेगमेंट तो सिंस अगर मैं डोर्सल साइड की बात करूँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट द नाइन्थ एंड टेंथ टर्गा और मैं यहाँ पर वेंट्रल यानी कि बेली रीजन की बात करूँ ऑफ द नाइन्थ सेगमेंट दैट मीन आई एम टॉकिंग अबाउट द नाइन्थ टन तो इन स्ट्रक्चर्स के फ्यूजन से बनता है आपका मेल जेनाइटल पाउच ऑफ द ब्रूट चेंबर और यहां पर तीन स्ट्रक्चर आपको ओपन होते हुए नजर आते हैं कौन कौन से हैं वो स्ट्रक्चर देखिए यहां पर अगर हम डोरसल साइड से देख रहे हैं बैक साइड ओके कॉक्रोच का हम टॉप व्यू देख रहे हैं तो आप देखेंगे यहां पर एक स्ट्रक्चर ओपन हो रहा है एंड दिस स्ट्रक्चर इज रिप्रेजेंटिंग दस तो डोरसल साइड पर सबसे पहला जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है दैट इज गोइंग टू बी एनस ओके okay? और एनस के नीचे सपोज दिस इज एनस और एनस के नीचे से आपको जाता हुआ नजर आ रहा है यू नो अ पार्ट ऑफ एंड इसकी ओपनिंग आपको यहाँ नजर आ रही है तो ये जो पीछे से जो ट्यूब नजर आ रहा है इसे हम कहते हैं डक्ट जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है और जिस ओपनिंग के थ्रू ये ओपन होगा इन दिस जेनाइटल चेम्बर और पाउच इस ओपनिंग को हम कहते हैं द मेल पोर और सिंपली हम इसको मेल भी कहते हैं आई होप दैट्स क्लियर एंड थर्ड स्ट्रक्चर जो यहां पर ओपन होगा वुड भी यहां पर देखिए यहां पर आपको कुछ ए सीमेट्रिकल काइटिनल स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं सी ये वाले स्ट्रक्चर्स ये जो ए सीमेट्रिकल स्ट्रक्चर है ना ये रिप्रेजेंट करते हैं द मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया और मेल एक्सटर्नल जेनिटेरिया को ये रिप्रेजेंट करते हुए स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं द मेल गोनापोफाइसेस और सिंपली इनको हम फेलोमीयर्स भी कहते हैं सो ऑल दीस थ्री स्ट्रक्चर्स कौन-कौन से Dorsal साइड पे आपको देखने को मिलेगी द एनस वेंट्रल साइड पे आपको देखने को मिलेगा द ओपनिंग ऑफ द इजेकुलेटरी डक्ट कॉल्ड द मेल गोनोपोर और द मेल जेनिटल बोर और साथ ही साथ आपको यहां पर सिमेट्रिकल काइटेनस स्ट्रक्चर्स जो कि एक्सटर्नल जेनेटेलिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो भी आपको नजर आते हैं इन द मेल ब्रूड चेंटल चेंबर आई होप ऑल थिंग रिगार्डिंग द मेल कॉकरोच और उनके जेनाइटल पाउच इज वेरी क्लियर अब हम चलते हैं फीमेल के जेनाइटल पाउच के कॉन्स्टिट्यूशन और साथ ही साथ वो किन वॉल से मिलकर बना हुआ है तो फीमेल कॉकरोच की बात की जाए तो सपोज ये इसकी डोर्सल वॉल है ओके okay, जो कि टर्गा okay? और यहां पर ये इसके वेंट्रल चेंबर्स द वेंट्रल वॉल जो कि क्या होती थी द स्टर्नम ओके तो यहां पर जो सेवेंथ वेंट्रल वॉल है ओके दे आर गोइंग टू कंटेन द फीमेल जेनाइटल पाउच ओके और ये सेवेंथ एंड नाइन्थ स्टर्ना से मिलके बन रहा है दैट मींस वेंट्रल वॉल से और एक इंपॉर्टेंट फीचर जो आपको याद रखना है रिगार्डिंग द सेवेंथ नो सेगमेंट इज दैट कि ये जो सेवेंथ अबडोमिनल सेगमेंट होता है इन केस ऑफ फीमेल दैट इज बोट शेप्ड इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा ठीक है सो सेवेंथ अबडोमिनल सेगमेंट बोट शेप्ड है एंड टूगेदर विथ एट एंड नाइन्थ सेगमेंट ये तीनों जो सेगमेंट्स हैं दे आर गोइंग टू फॉर्म द फीमेल जेनाइटल पाउच और यहां पर भी आपको तीन स्ट्रक्चर्स ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं तो यहां पर ये देखें ये फीमेल का जेनिटल पाउच है ओके तो यहां पर तीन स्ट्रक्चर्स ओपन होंगे सबसे पहले जो फीमेल का वजाइना है या उसका जो एक सिंगल ओविडक्ट आ रहा है द फेलोपियन ट्यूब वो ओपन हो रहा है तो ये जो ओपनिंग आपको नजर आ रही है ये रिप्रेजेंट कर रही है द तो ओपनिंग ऑफ द वजाइना और द

ओपन हो रही हैं इनटू अ सिंगुलर ओपनिंग और इस ओपनिंग को भी आप यहां देख सकते हैं सो so, ये भी ओपन हो रही है इनटू द फीमेल जेनाइटल पाउच और इस ओपनिंग को हम कहते हैं द स्पर्माथिकल थीकल पोर्ट्स ओके तो ये स्पर्माथिके हैं दीज आर वॉट द स्पर्मा ठीक है sperma... और ये ओपन हो रहे हैं

ग्लैंड की ओपनिंग भी यहां पर ओपन हो रही है इनटू दिस फीमेल दिसमेल पाउच और इस ग्लैंड को हम कहते हैं ग्लैंड सो ग्लैंडल ग्लैंड की ओपनिंग यानी कि डक्ट्स की ओपनिंग भी आपको नजर आ रही है इन दिस फीमेल जेनाइटल पाउच तो देखिए कितने सारे स्ट्रक्चर यहां पर ओपन हुए थ्री स्ट्रक्चर पहला आपको फीमेल गोनोपोर और द फीमेल जेनाइटल पोर आपको यहां पर ओपन होता हुआ नजर आ रहा है साथ ही साथ ये जो दो ब्रांच आपको को लेट्रल ग्लैंड नजर आ रही हैं, इनकी डक्ट्स ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ जो स्पर्मथिके प्रेजेंट थे इनकी भी ओपनिंग दी स्पर्मथिकल पोर्स, वो भी ओपन होती हुई नजर आ रही है इन दी फीमेल जेनाइटल पाउच तो आई होप ये सारी चीज़ें रिगार्डिंग ऑल दीज जनाइरल पाउच जो कि मेल एंड फीमेल में आपको देखने को मिलते हैं वो आप सभी को अच्छे से समझ आई होंगी तो बच्चों नाउ डिस टाइम दैट वी बिगिन विद दी स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ द कॉकरोच दैट मीन्स हम यहाँ डील करने वाले हैं विद दी एनाटमी ओके सो एनाटमी में वी आर टेकिंग अप दी डाइजेस्टिव सिस्टम फर्स्ट तो किसी भी एनिमल के डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने एक लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर देखा है हमेशा से और वो स्ट्रक्चर ओपन होता है

ओके okay, तो एंटर वर्ड का मतलब हमेशा गट से होता है राइट एंड मीजन वर्ड मीन द मिड पार्ट ओके सो मीज एंटर और द मिड गट रिप्रेजेंट सेंट्रल रीजन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड लास्टली हमें हाइंड गट देखने को मिलेगा और ये फर्दर डिफ्रेंशिएटेड होता है तीन रीजन में जिन्हें हम बुलाते हैं इलियम कोलन एंड रेक्टम तो आइए इन सबको हम यहाँ पर इस फिगर के थ्रू समझ लेते हैं बट उससे पहले देखते हैं कि कैसे ये जो आपको वेरियस पार्ट्स देखने को मिलेंगे एलिमेंट्री केनाल के वो यू नो बिगिन करते हैं तो ये वो फिगर मैंने लिया है जहाँ पर मैंने आपको माउथ पार्ट्स की पोजिशन बताई थी इनसाइड द काक्रोच राइट तो देखिए यहाँ पर अगर आप माउथ पार्ट्स को देखेंगे तो ये जो माउथ पार्ट्स हैं ये ओपन कर रहे हैं इन दिस ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर और ये जो शॉर्ट जो फेरिंगस है यानी कि शॉर्ट टिब्यूलर स्ट्रक्चर अगेन एक और टिब्यूलर स्ट्रक्चर में ओपन हो रहा है विच इज रिप्रेजेंटिंग दस दिस इज दिसोफेकस राइट सो माउथ ओपन कर रहा है

ठीक है एंड दिस क्रॉप फर्दर ओपन अप इन टू अ चेंबर जो कि कहलाता है द गिजर्ड और इसको हम एक और नाम से बुलाते हैं दैट इज प्रोवेंट्रिकुलस ओके तो प्रोवेंट्रिकुलस और ये जो गिजर्ड है ये आपको यहां पर देखने को मिलेगा दैट इज आफ्टर द क्रॉप तो अगर इस आप गिजर्ट को देखेंगे तो आप इस गिजर्ट को जब देखते हैं तो आप देखोगे इसकी जो आउटर वॉल है वो सर्कुलर मसल से मिलकर बनती है और जो इसकी इनर वॉल है वो ऐसे यू नो टीथ में ओपन होती है तो यहां पर okay? so यहां पर ये रिप्रेजेंट हो रहे हैं सिक्स काइटिनस टीथ दैट मीन ये काइटिन के बने हैं और आउटर साइड पर आपको देखने को मिलती हैं सर्कुलर मसल्स यानी कि आउटर वॉल में ओके तो ये जो सिक्स काइटेन टीथ हैं, यू नो ये ऐसे यू नो टू एंड फ्रो मूवमेंट करेंगे अपने पास आएंगे एंड दूर जाएंगे जिससे क्या होता है इनके इस मूवमेंट की वजह से जो भी फूड यहाँ इस क्रॉप में स्टोर होता था जब वो इस गिजर्ड में पास करेगा तो इनकी टू एंड फ्रो मूवमेंट से ये फूड पार्टिकल्स जो हैं वो ब्रेक हो जाएंगे इन टू इवन फाइनर पार्टिकल्स बिकॉज आपको पता है माउथ पार्ट जो है वो अगेन फूड को ब्रेक कर देते हैं छोटे पीसेज में बट क्रॉप में जो फूड स्टोर हो रहा है वो जो स्मॉल पीसेस हैं वो फर्दर इवन फाइनर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं इन टू द गिजर्ड राइट right? और गिजर्ड मार्क्स दी एंड ऑफ योर फोरगट से लेकर आपको जो गिजर्ड तक पार्ट देखने को मिले हैं वो बनाते हैं आपके फोर गट को ठीक है एंड जो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होगा दैट विल बी द द और ठीक है जो कि अगेन एक हाईली यू नो कॉइल्ड स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है तो देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है इस मिड गट और इस फोरगट की जंक्शन पे आपको कुछ इस तरीके से एट टू टेन ब्लाइंड ट्यूब्यूल देखने को मिल रहे हैं ये जो एट टू टेन ब्लाइंड ट्यूब्यूल देखने को मिलते हैं एट जंक्शन ऑफ फोर गर्ट एंड मिड गट ये कहलाते हैं द हिपैटिक सीका और द गैस्ट्रिक सीका तो इनका काम क्या है भाई ये जो हिपैटिक सीका और गैस्ट्रिक सीखा है ना ये डाइजेस्टिव जूस से सिक्रिएट करते हैं सो हिपैटिक सीका भी आप इसको कह सकते हैं वी कैन इवन कॉल इट गैस्ट्रिक सीका ओके और इनका काम क्या है कहां तो अगेन ओपन होता है इन टू एन इवन वाइडर स्ट्रक्चर जिसको हम बुलाते हैं okay? so, अगर आप ध्यान से देखें तो इस मिड गट और इस हाइंड गट के जंक्शन पे आपको ना इस तरीके से हंड्रेड टू वन फिफ्टी आपको कुछ यूनो थिन फिलामेंटस येलो स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं तो so, ये जो येलो थिन फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स आपको मिड गट और हाइंड जंक्शन पे देखने को मिलेंगे इनको हम बुलाते हैं द मैलफीजियन ट्रिब्यूल्स ओके okay, तो मेलफीजियन टिब्यूल जैसे कि हमने पढ़ा था जब हम आर्ट्सोपोर्ट्स के कैरेक्टर पढ़ रहे थे ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं दैट मीनस ये इनके ब्लड से दैट इज इनका जो ब्लड है दैट इज हीमोलिम्फ उनमें से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करते हैं ओके सो मेलफीजियन टिब्यूल का एक्सक्रीशन में डायरेक्ट रोल है इन केस ऑफ द कॉकरोच और ये मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन में देखने को मिलेंगे तो so रिमेंबर आपको हिपैटिक्स का देखने को मिलते थे फोर गट और मिड गट के जंक्शन पे और आपको मैलफीजन ट्यूब्यूल देखने को मिलेंगे मिड गट और गट के जंक्शन पे सो so, इनकी पोजिशन आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए ओके एंड फाइनली हमारा जो ब्रॉडर हाइंड गट है वो बिगिन करता है जो कि अगेन मैंने आपको बताया था थ्री रीजन में डिस्टिंग्विश्ड है तो आपका जो पहला रीजन होता है ऑफ द हाइंड दैट इज कॉल्ड इलियम देन आपका नेक्स्ट रीजन वुड बी कॉल्ड द कोलन एंड लास्टली एक और स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है जहां पर वेस्ट जो है वो कलेक्ट किया जाता है बिफोर रिलीजिंग एंड दैट इज कॉल्ड द रेक्टम सो ये है आपका रेक्टम जो कि फाइनली ओपन होता है थ्रू द एनस सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द कॉकरोच आई होप आपको सारे पार्ट्स और उनके फंक्शन अच्छे से समझ आए हैं तो आइए बच्चों बिगिन करते हैं विद द नेक्स्ट सिस्टम ऑफ कॉकरोच दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम तो सर्कुलेटरी सिस्टम कहें या इसको हम ब्लड वैस्कुलर सिस्टम कहें के केस में सिंस कॉकरोच एक आथ्रोपोर्ट है और आथ्रोपोर्ट का एक चीफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता था दैट दे यूज्ड टू हैव ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम तो दैट मीन्स इनके पास भी आपको ओपन टाइप ऑफ ब्लड वास्कुलर सिस्टम देखने को मिलेगा और क्या होता था ओपन टाइप ऑफ ब्लड वास्कुलर सिस्टम जहाँ पर ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स में फ्लो नहीं करता था और वो आपको देखने को मिलता था इन टू द ओपन स्पेसिस कॉल साइनस ओके तो देखिए अगर यहाँ पर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट भी होंगी ना तो ब्लड वेसल्स आर गोइंग टू बी वेरी पुअरली डेवलप्ड ठीक है तो यहां पर जो पुअरली डेवलप्ड ब्लड वेसल्स हैं वो ओपन होती हैं इन टू द बॉडी कैविटी कॉल द हीमोसील ओके और हीमोसील जो है वो बॉडी कैविटी है सील वर्ड मैंने हमेशा आपको बताया है इट रिप्रेजेंट द बॉडी कैविटी एंड यहां पर आपको ब्लड फिल्ड नजर आएगा राइट सो दस वी कॉल इट हीमोसील ठीक है और यहां पर जो इनका यू नो ये जो हीमोसील है बिकॉज बॉडी की कैविटी है तो बॉडी की कैविटी के अंदर ही आपको वेरियस बॉडी इंटरनल ऑर्गन देखने को मिलेंगे तो इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द विसरल ऑर्गन तो विसरल वर्ड जो है वो रिलेट करता है टू द इंटरनल स्ट्रक्चर राइट तो विसरल ऑर्गन का मतलब यहां पर इंटरनल स्ट्रक्चर भी इसी हीमोसील में लोकेटेड है और इसी हीमोसील में प्रेजेंट थे क्या द ब्लड ओके तो इसका मतलब यहां पर विसरल ऑर्गन जो होंगे वो कंप्लीटली बेथड होंगे इन टू दिस यू नो हीमोलिम्फ ओके okay, और द ब्लड तो ब्लड को इस केस में आथ्रोपोर्ट्स या कॉकरोच के केस में वी कॉल इट द हीमोलिम्फ ओके आई होप दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू एंड अगर हम बात करें इस हीमोलिम्फ की तो नॉर्मल ब्लड में हमने देखा था ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिशू है राइट और अगर ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिशू है तो यहाँ पर एक ग्राउंड यू नो सब्सटेंस होने वाला है दैट इज द मेट्रिक्स और वो मैट्रिक्स कैसा हो जाता है फ्लू कॉल्ड प्लाज्मा तो इनके पास भी आपको देखने को मिलेगा प्लाज्मा जो कि होगा कलरलेस और साथ ही साथ उसमें फ्लोट कर रहे होंगे कुछ सेल्स जिन्हें हम बुलाते हैं द हीमोसाइट्स ओके सो यहाँ पर जो सेल्स आपको फ्लोट करते हुए नजर आएंगे इन केस ऑफ द कॉकरोच वुड बी द हीमोसाइट्स आई होप दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू तो अब हम देखते हैं द अदर कॉम्पोन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम जहां पर हम हार्ट कॉकरोच को डील करने वाले हैं और देखते हैं कैसे सर्कुलेशन होता है ऑफ द्लड इन साइड तो आइए बच्चों अब हम करते हैं तो जो का हार्ट होता है वो एक इलाटेड मस्क्यूलर स्ट्रक्चर है जिसमें आपको देखने को मिलते हैं थर्टीन फनल चेम्बर्स तो यहाँ पर आपको थर्टीन फनल शेप चेंबर्स देखने को मिलते हैं जिनकी दोनों तरफ आपको कुछ ओपनिंग नजर आती है ठीक है तो अगर आप देखेंगे कॉकरोच की डॉसल व्यू को तो आप देखिए यहां पर आपको ये लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है ना दीज आर रिप्रेजेंटिंग हार्ट ऑफ द कॉकरोच तो यहां पर थर्टीन चेंबर्स प्रेजेंट हैं इन दी हार्ट ऑफ कॉकरोच अब वो जो थर्टीन चेंबर्स है ना वो आपके थोरैक्स से लेकर एबडोमिन के हर सेगमेंट में एक एक चेंबर प्रेजेंट है दैट मीन आपको पता है थोरैक्स में तीन चेंबर्स होते थे ना प्रोथोरैक्स मीजोथोरैक्स एंड आपके मेटाथोरैक्स तो यानी कि वहां पर आपको तीनों ही उन सेगमेंट्स में नजर आएंगे तीन आपके चेंबर्स ऑफ हार्ट। सो आप यहां पर इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि थोरैक्स में आपको देखने को मिलेंगे थ्री चेंबर्स एंड नेक्स्ट रिमेनिंग जितने टेन चेंबर्स हार्ट वो आपको अबडोमिन में नजर आएंगे बिकॉज आपको पता है अबडोमिन जो होता है वो टेन सेगमेंट से बना होता है तो हर सेगमेंट में आपको एक एक चेंबर देखने को मिलेगा ऑफ दी हार्ट तो दैट मीनस इन टोटल वी विल हैव थर्टीन चेंबर्स जो कि थोड़ा अबडोमिन में प्रेजेंट है आई होप इट्स क्लियर ठीक है तो अगर आप इसके हार्ट के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आप देखिए यहां पर कैसे ना फनल आपको अगर हम, के को देखते हैं, तो means, हम इस कॉकरोच को साइड से देख रहे हैं तो so, ऐसे कॉकरोच में जब हम साइड से देखते हैं तो आपको यानी कि इसकी दो रीजन नजर आ रहे हैं एक है इसका बैक साइड विच इज रिप्रेजेंटिंग दल साइड ओके और एक है इसका

स्पेस विच आर कॉल्ड साइनसिस तो इसका मतलब देखिए यहां पर डॉर्सल साइट पर यह जो सेप्टा डेवलप हुआ है और ये जो वॉल डेवलप हुई है वी कॉल दिस एज अ डोरसल सेप्टम आई होप इट्स क्लियर और जो वेंट्रल साइट पे आपको जो ये वॉल डेवलप होती हुई नजर आई है वी कॉल इट द वेंट्रल सेप्टम तो दिस इज अ वेंट्रल सेप्टम आई होप ये दो चीजें आपको क्लियर हो गई तो उससे क्या हुआ देखिए बॉडी जो थी कॉकरोच की वो तीन सेगमेंट्स या तीन एक्चुअली रीजन्स में डिवाइडेड हो गई और ये जो तीन रीजन्स हैं दे आर ओपन स्पेसेस और इनको हम बुलाते हैं साइनसिस तो देखिए ये आप देखेंगे कि ये जो डॉर्सल सेप्टम के ऊपर वाला जो चेम्बर है या साइनस है उसमें हार्ट प्रेजेंट है तो देखिए ये थर्टीन चेंबर्स हार्ट दिखाई ऑफ द हार्ट नजर आ रहे हैं आपको यहाँ पर राइट सो सेंस यहां पर हार्ट की प्रेजेंस है तो इस साइनस को हम बुलाते हैं द पेरी कार्डियल साइनस ठीक है सो so, दिस इज द पेरी कार्डियल स्पेस और द साइनस जिसमें कि हार्ट प्रेजेंट है ठीक है अगर आप वेंट्रल साइड देखेंगे दैट मींस वो वाला साइड जो वेंट्रल सेप्टम के नीचे प्रेजेंट है तो ये वाला जो ओपन स्पेस है यहां पर आपको देखने को मिलेगी द डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड यानी कि जो इसका नर्वस सिस्टम बनाती है ऑफ कॉकरोच जिसको हम आगे डील भी करने वाले हैं तो इस वेंट्रल यू नो साइनस में आपको नर्वस सिस्टम देखने को मिलेगा तो हेंस वी कॉल दिस साइनस एज पेरी न्यूरल साइनस ठीक है और you know, यू नो इस डोर्सल सेप्टम और वेंट्रल सेप्टम के बीच में जो आपको एक ओपन स्पेस नजर आ रही है इस साइनस को हम बुलाते हैं द पेरीविसरल साइनस बिकॉज विसरल वर्ड इसलिए लगा बिकॉज यहां पर इंटरनल ऑर्गन प्रेजेंट होंगे ठीक है तो ये तीन साइनसेस में डिवाइडेड होती है कॉकरोच की बॉडी आई होप इट इज क्लियर तो देखिए अब हमको काम करना है सबसे पहले कि ये जो पेरिकार्डियल साइनस है सबसे पहले आप देखिए यहां पर हार्ट प्रेजेंट है और हार्ट का में जो ब्लड का फ्लो होगा जो कि हम कहलाते हैं यहां पर हीमोलिम वो होगा फ्रॉम दिस यू नो पोस्टीरियर साइड दैट मीन्स इसके यू नो बैक साइड से इसके एंटीरियर साइड यानी कि इसके माउथ वाले रीजन की तरफ तो यानी कि ब्लड का फ्लो हमेशा आपको फ्रॉम पोस्टीरियर साइड टू एंटीरियर साइड देखने को मिलेगा इन केस ऑफ दी कॉकरोच हार्ट तो ब्लड का फ्लो देखिए यहाँ इस तरीके से हो रहा है फ्रॉम दी पोस्टीरियर टू एंटीरियर साइड और फाइनली जो लास्ट चेंबर आपको यहाँ देखने को मिलेगा वुड भी ट्रांसफर ट्रांसमिटिंग दिस ब्लड टू द हेड ऑफ द काक्रोच ठीक है तो कॉकरोच के हेड में ये फाइनली ये ट्रांसफर कर दिया जाता है और जिस वेसल के थ्रू ये ट्रांसफर किया जाता है दैट इज कॉल्ड आयोटा, ठीक है तो एंटीरियर वर्ड इसलिए लगाया बिकॉज ये माउथ रीजन के पास है सो so, साइड पे आपको जो ब्लड ब्लड इस को फ्रॉम दिस लास्ट चेंबर कैरी करके ले जाती है टू द हेड रीजन वुड बी द एंटीरियर आयोटा, जिससे कि ये सारा ब्लड जो है फाइनली वापस से इन बॉडी स्पेसिस में आ जाता है दटमीन्स पेरी विसरल और पेरी न्यूरल साइनस में वापस से पहुंच जाता है तो आप इस तरीके से देखिए कि ब्लड तो ऑलरेडी इन तीनों साइनसेज में फिल्ड है ओके तो लेकिन जब वो पंपिंग की जा रही है फ्रॉम द पोस्टीरियर टू द एंटीरियर साइड वो फाइनली एंटीरियर साइड पर जाके हार्ट मतलब आपके हेड रीजन और साथ ही साथ जितनी रिमेनिंग साइनसेस हैं दैट इज पेरी साइनस और पेरी न्यूरल साइनस वहाँ पर ये यू you नो know, वापस से रिलीज कर दिया जाता है ओके okay? तो इस तरीके से यहां पर ये यह सर्कुलेशन देखने को मिलता है तो so रिमेंबर जो ब्लड फ्लो होगा इन केस ऑफ हार्ट वुड बी पोस्टेरो एंटीरियर दैट मीनस पोस्टीरियर से एंटीरियर साइड की तरफ ब्लड फ्लो आपको देखने को मिलता है इन केस ऑफ कॉकरोच ठीक है तो देखिए एक और इंपॉर्टेंट फीचर जो आप यहां पर समझ लीजिए कि अब एक्चुअली में ये ब्लड का फ्लो आपको देखने को मिलेगा कैसे थ्रू दिस यू नो चेंबर्स ऑफ दिस हार्ट तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहां पर समझ लेनी है सबसे पहले मैं यहां पर कुछ वैल्व मैंशन कर देता हूं जो कि आपको इनके यू नो फनल शेप चेंबर्स में देखने को मिलते हैं सो so, देखिए यहां पर आपको नजर आते हैं कुछ वैल्व जो कि कहलाते हैं द एट्रियल वेल्व तो यहां पर ये यह जो रेड कलर से मैंने रिप्रेजेंट किए हैं दीज आर एट्रियल वेल्वस ओके और एक सेपरेट कलर से मैं यहां पर रिप्रेजेंट कर देता हूं द वेंट्रिकुलर वेल्व तो आपको यहां पर नजर आ रहे हैं देंट्रिकुलर वेल्व सो दो टाइप के बैल्स आपको यहां पर कॉकरोच के केस में देखने को मिल रहे हैं ओके सो कॉक्रोच ऑब्वियसली जो हार्ट है वो पेरिकार्डियल साइनस में है जो कि ऑलरेडी ब्लड फिल्ड है तो यहां पर आपको चारों तरफ नजर आ रहे हैं द ब्लड ओके ब्लड इज गोइंग टू बी ह्योर अब इस ब्लड को इस हार्ट के अंदर एंटर करना है तो इनिशियली वॉट हैपन जब हार्ट क्लोज होता है तो यू you नो know, इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट करने के लिए आपको कुछ मसल्स अटैच नजर आती हैं टू द

एट्रियल वाल्व और जो वेंट्रिकुलर वाल्व है वो क्लोज हो जाएंगे है ना वो टच करेंगे तो उससे क्या होगा यहां जो ओपन स्पेसेस डेवलप थी जिन्हें हम बुलाते थे ऑस्टिया वो बंद हो जाएंगी और जो ब्लड है फ्रॉम दी यू नो सराउंडिंग विल नॉट बी एबल टू एंटर तो इसका मतलब यहां पर ये यह क्लोज हो जाएगा दैट मीन्स आपके जो स्पेसेस हैं द ओपन स्पेसेस जिन्हें हम ऑस्टिया बुला रहे थे और दी स्मॉल पोर्स जिनके थ्रू ब्लड एंटर कर रहा था इन टू द चेंबर्स ऑफ द हार्ट वो क्लोज हो जाएगा बाई दी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दि मसल्स तो ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करी जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो क्या होगा ये आपके जो वेंट्रिकुलर वाल्व हैं और जो एट्रिकुलर या एट्रियल वाल्व हैं वो क्लोज आ जाएंगे टच हो जाएंगे और उससे ये जो ओपनिंग थी वो बंद हो जाएंगी ठीक है बाद में जब ये मसल जो हैं वो रिलैक्स होंगी तो व्हाट विल हैपन ये जो वेंट्रिकुलर वाल्व हैं वो वापस से थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे तो उससे क्या होगा ये वेंट्रिकुलर वाल्वस रिलीज हो गए उसकी वजह से एट्रियल वाल्व और वेंट्रिकुलर वाल्व के बीच में एक स्पेस या एक पोर डेवलप हो गया और उन बोर्ड्स को हम बुलाते थे ऑस्टिया और उन ऑस्टिया के थ्रू यहाँ जो ब्लड प्रेजेंट था इन टू दिस पेरी कार्डियल स्पेस और दिसनस वोट रश इन साइड दिस हार्ट चैम्बर ठीक है इस तरीके से एलरी मसल्स जो हैं वो हेल्प करती हैं इन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट जिसकी वजह से ब्लड एंटर करेगा इनटू द हार्ट और वो पंप आउट होता रहेगा राइट तो इस तरीके से ब्लड का फ्लो कंटिन्यूसली दी कॉकरोच आई होप दिस इज क्लियर राइट तो ब्लड जो है फ्रॉम दी टेंथ अबडोमिनल सेगमेंट यानी कि जो यहां पर थर्टींथ चेंबर है उससे फ्लो करेगा राइट और देखिए ब्लड क्या होगा फ्रॉम ऑस्टिया ऑस्टिया से एंटर करेगा इंटू द चेंबर चेंबर से ये पास करता जाएगा फ्रॉम द थर्टीन टू द फर्स्ट चेंबर और फर्स्ट चेंबर के बाद फाइनली ये आयोटा से रिलीज कर दिया जाएगा इनटू द हेड एंड दी दाइनसेस ओके कौन कौन सी साइनसेज पेरी वेसरल साइनस एंड दी पेरी न्यूरल साइनस में एंड फाइनली इन साइनसेज में फेल होने के बाद वापस से ये ब्लड जो है वो यहाँ पर कुछ ओपनिंग्स के थ्रू पेरी कार्डियल साइनस में पहुंचेगा और अगेन ऑस्टिया के थ्रू ये वापस से एंटर कर जाएगा इनटू दिस चेंबर ऑफ हार्ट और फर्दर इस तरीके से कंटिन्यूस फ्लो ऑफ ब्लड देखने को मिलेगा इन द केस ऑफ कॉकरोच सो ब्लड जो है फ्रॉम साइनसिस ओपन स्पेसिस और वापस से वो पंप बैक कर दिया जाएगा उन्हींल एंड पेरी न्यूरल साइनसिस एंटीरियरली किस साइड की तरफ एंटर करेगा वो ब्लड एंटीरियर साइड में थ्रू द एंटीरियर आयोटा सो आई होप ऑल दीज थिंग्स रिलेटेड टू द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द काक्रोच हार्ट इज वेरी वेल क्लियर टू ऑल ऑफ यू तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं द नेक्स्ट सिस्टम ऑफ द कॉकरोच दैट इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम ओके तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है कॉकरोच का वो रिप्रजेंट किया जाता है बाय अ नेटवर्क ऑफ ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर्स जिन्हें हम बुलाते हैं ट्रेकि और इसी सिस्टम को इसलिए हम बुलाते हैं द ट्रेकिअल सिस्टम

नजर आएगा That means, याद की एक box -like है ना? आपको पता है जिसके की अपर लोअर और साइड के लिड्स हैं सो अपर लिड रिप्रेजेंट करती है दर्गम लोअर लिड दर्म और साइड की जो दो आपको कवरिंग है दोनों होती है ऑफ द कॉक्रोच दो और इन प्लूरा में आपको ओपनिंग्स नजर आती हैं दो-दो है स्पाइरकल्स ओके okay, जो कि ईदर ऑफ द प्लूरॉन पर प्रेजेंट होगा राइट सो प्लूरॉन पे एक साइड पे आपको एक स्पायरिकल देखने को मिलेगा दूसरे साइड पे भी एक स्पायरिकल या ओपनिंग देखने को मिलेगी तो देर आर गोइंग टू हाउ मेनी पेयर ऑफ दल्स आपको देखने को मिलेंगे और इनकी पोजिशनिंग क्या है तो so, कॉकरोच की अगर हम इस स्पाइरकलो you know, की पोजिशन देखें तो ये ट्रेकियल सिस्टम ऑफ दोच तो आप देखोगे यहाँ पर ना कुछ ओपनिंग्स आपको यहाँ पर नजर आ रही है सो so, ये जो ओपनिंग्स है दे आर रिप्रेजेंटिंग दो दीज आर स्पाइरकल्स ऑफ द कॉकरोच तो बेसिकली ये टेन तो देखिए आपको हमेशा पेयर स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं ओके ओके तो आप देखेंगे यहाँ पर जो दो पेड़ हैं आउट ऑफ द टेन पेयर्स टू पेयर्स आर इन दोरेक्स रीजन सो दो पेयर्स आपको देखने को मिलेंगे थोरैक्स रीजन में तो थोरैक्स में आपको कहाँ देखने को मिलेंगे पहला जो पेयर आपको देखने को मिलेगा वो आपको प्रो और मीजो थोरैक्स के बीच में देखने को मिलेगा दैट मीन इट विल बी एट द द जंक्शन ऑफ एंड विलोथोर और जो सेकंड पेयर आपको देखने को मिलेगा वो आपको मीजो और मेटा के बीच में देखने को मिलेगा दैट इज एट द जंक्शन ऑफ मीजो एंड मेटाथोरेक्स तो सिंस ये दोनों पार्ट बना रहे हैं ऑफ द थोरैक्स हेंस ये स्पाइरकल्स कहलाते हैं थोरसिक्स स्पाइरकल्स राइट और रिमेनिंग जितने भी आपको एट पेयर देखने को मिल रहे हैं ऑफ द स्पाइरिकल्स वो आपको फर्स्ट टू एट एबडोम सेगमेंट के अंदर देखने को मिलेंगे नॉट एट द जंक्शन, बट एट द, यू नो एट ईच सेगमेंट आपको देखने को मिलेंगे और वो स्पायरिकल्स सिंस स्पाइर का पार्ट हैल स्पाकल तो थोड़ा सा स्पाइरकल्स कितने हैं देर गोइंग टू बी टू पेयर और जो एबडोमिनल स्पाइरकल्स हैं दे आर गोइंग टू बी एट पेयर सो आई होप इनके नंबर आपको और इनकी पोजिशन आपको क्लियर हुई होगी ठीक है ओके सो यू नो ये जो स्पाइरकल्स होते हैं जो ये जो ओपनिंग्स हैं इनकी ओपनिंग को रेगुलेट करने के लिए दे हैव अनदर स्ट्रक्चर कॉल्ड फिंकर्स ठीक है तो फिंकर्स कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो इनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट करते हैं एंड अब अगर हम इस यू you नो know, इस स्पाइरकल के ही सिस्टम को थोड़ा सा एनलार्ज करके देखें तो अगर मैं सपोज इतना सा सेगमेंट जो है सपोज एनलार्ज करके देखता हूँ तो उसका एनलार्ज सेक्शन आपको यहाँ इस फिगर में देखने को मिलेगा तो देखिए आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है स्पाइरकल की एंटायर स्ट्रक्चर को तो देखिए यहाँ पर ये ओपनिंग जो है दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट दी स्पाइरकल तो ये जो ओपनिंग है दिस इज दायरिकल एंड ये ओपन होता है इनटू पूरी बॉडी में इस तरीके का नेटवर्क बना लेता है ओके सो इन यू नो ब्रांच स्ट्रक्चर को जो टिब्यूलर इन नेचर है इन्हें हम बुलाते हैं ट्रेकिया ओके और इस ट्रेकिया में आपको क्यूटिकल की थिकनिंग देखने को मिलती है सो ओवर हियर यू विल फाइंड अ थिकनिंग जो कि इसमें एंटायरली ऐसे रन कर रही है दिस क्यूटिकुलर थिकनिंग इज कॉल्ड द इंटिमा दो दिस इज कॉल्ड इंटिमा एंड फर्दर ये जो ट्यूब है ये आगे जाके ब्रांच करके और फर्दर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में एक्सटेंड होता है विच आर कॉल्ड द ट्रेक्यूल्स वॉट डू बी कॉल्ड द ट्रैक्यूल्स सो ये जो आपको छोटे छोटे फर्दर ब्रांचिंग देखने को मिलती है ऑफ द ट्रैकिया वी कॉल द्रैक्योल्स और ये ट्रैक्यूल जो है इट इज सराउंडेड बाय द साइटोप्लाज्म एंड हें ये फॉर्म करते हैं एक सेल जिसे हम बुलाते हैं द ट्रैक्यूलर सेल और द ट्रैक्यूल सेल ठीक है जिसके पास खुद का साइटोप्लाज्म और एक न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है ओके okay? ओके okay. सो so, ये इंटायर स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा इन लास्ट व्यू में तो आइए बात करते हैं मकैनिज्म की जिसके थ्रू कॉकरोचेस जो हैं वो यू नो रेस्पायरेशन करते हैं सो so, कॉकरोचेस के केस में उनकी पहली चीज तो स्टेट के बेस पे आप देख सकते हैं कि रेस्पायरेशन डिफर करेगा मान लीजिए कॉकरोच जो है वो स्टेशनरी है वो मूव नहीं कर रहा है तो उस केस में क्या होगा यहाँ से ऑक्सीजन यानी कि इस स्पायरिकल से ऑक्सीजन एंटर करेगी ओके okay? देन इस एट्रियम से पास होते हुए इस ट्रेकिया के पास होते होते आपको पहुंच जाएगी एट दिस ट्रैक्यूलर सेल तो इस ट्रैक्यूलर सेल में ही ऑक्सीजन जाके सिंपली डिफ्यूज कर जाती है ओके okay? एंड इस डिफ्यूजन से इस ऑक्सीजन को फर्दर और डिफ्यूजन होते होते ये बॉडी के वेरियस पार्ट तक सप्लाई होती है सो so, ये पैसिव फॉर्म है एक तरह से राइट right? तो सिंपली इसमें क्या हो रहा है ऑक्सीजन एंटर कर रही है पहुंच रही है टू द ट्रैक्यूलर सेल और वहां से डिफ्यूज होने के बाद वो सप्लाई हो रही है टू द वेरियस बॉडी पार्ट्स ये तब हो रहा है जब कॉकरोच मूव नहीं कर रहा है बट कॉकरोच जब मूवमेंट शो करता है तब उसमें जो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन है दैट मीन्स इन्हेलेशन करना और एक्जिलेशन करना वो डिफर कर जाएगा तो देखिए एक्जिलेशन के केस में क्या होता है जब कॉकरोच मूव कर रहा है तो वॉट हैपन्स ड्यूरिंग एक्लेशन तो देखिए आपको यू नो एग्जिलेशन एक बेसिकली कॉकरोच के, के केस में एक एक्टिव प्रोसेस है एक्टिव प्रोसेस का मतलब है कि यहां पर उनको अपनी बॉडी से एयर रिलीज करने के लिए एनर्जी को स्पेंड करना पड़ेगा सो दिस इज एन एक्टिव प्रोसेस कैसे भाई तो देखिए कॉकरोच के अगर आप जैसे आप जानते हैं कि यहां पर उसकी डॉर्सल वॉल कहलाती है टर्गम ओके okay? और जो वेंट्रल वॉल है इज कॉल्ड तो, तो और है वो आपस में कनेक्टेड होते हैं बाय सर्टन दी टर्गो स्टर्नल मसल्स तो ये क्या है दीज आर स्टर्नल मसल्स ठीक है तो एक्सपायरेशन के टाइम यानी कि एक्सिलेशन के टाइम ये जो टर्गम और स्टर्नम के बीच में मसल्स हैं स्टर्नल मसल्स दे कॉन्ट्रैक्ट तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो टर्गम और स्टर्नम पास आ जाएंगे और जब ये पास आते हैं तो व्हाट विल हैपन जो अंदर की कैविटी थी उसकी स्पेस क्या हो गई कम हो गई ना दैट मीन वॉल्यूम जो है उस कैविटी का वो रिड्यूस हो गया अब जब वॉल्यूम कम होता है तो आपको पता है प्रेशर बढ़ जाता है राइट तो जब वॉल्यूम कम होगा प्रेशर बढ़ेगा तो अंदर जितनी भी एयर थी वो बाहर रश आउट कर जाएगी राइट सो दैट मीनस एक्सीलेशन के टाइम पे इन यू नो मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और आपको पता है मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी स्पेंड की जाती है दैट इज वाई वी कॉल इट एन एक्टिव प्रोसेस तो मसल कॉन्ट्रैक्शन एक एक्टिव प्रोसेस होने की वजह से टर्गम और टर्नम पास आ गए जिसकी वजह से वॉल्यूम ऑफ दी कैविटी कम हो गया और प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से एयर बाहर रश आउट हो गई राइट अब बाद में क्या होगा एक्सपायरेशन हो गया या एक्सेलेशन हो गया नाउ दीज मसल रिलैक्स अब जब मसल्स रिलैक्स हो गई तो रिलैक्सेशन के लिए तो कोई एनर्जी स्पेंड नहीं करते ना तो जो इंस्पायरेशन है और दी इन्हीशन होगा दैट इज गोइंग टू बी अ पैसिव प्रोसेस क्योंकि इसमें कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है ना क्योंकि मसल्स को रिलैक्स करने के लिए किसी एनर्जी को स्पेंड नहीं करना पड़ता है तो पैसिव प्रोसेस है ये द इनहेलेशन uh, तो व्हाट विल हैपन ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करें वॉल्यूम इंक्रीज हुआ वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा ऑफ दी कैविटी तो बाहर से एयर अंदर रश इन कर जाएगी इन टू दीज राइट और इस तरीके से इनकी बॉडी में एंटायर बॉडी में आप देखेंगे कि कैसे ऑक्सीजन जो है वो पूरी बॉडी को सप्लाई हो जाएगी थ्रू दिस एंटायर ट्रैकियल सिस्टम और दिस सिस्टम और नेटवर्क ऑफ दिस ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर्स आई होप रेस्पायरेशन और इस रेस्पायरेटरी मैकेनिज्म से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट आप सभी के क्लियर हुए होंगे okay. तो आइए बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सिस्टम ऑफ द कॉकरोच दैट इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम तो एक्सक्रीटरी सिस्टम आप जानते ही हैं एक ऐसा सिस्टम है जो कि बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट के रिमूवल में हेल्प करेगा राइट सो कॉकरोचेस और यूरिकोटेलिक पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए दैट मीन्स यूरिकोटेलिक मतलब ऐसे एनिमल्स जो कि यूरिक एसिड को एज अ मेन नाइट्रोजेनस वेस्ट रिलीज करते हैं आउटसाइड द बॉडी सो कॉकरोचेस रिलीज यूरिक एसिड राइट ओके और एक्सक्रीशन कैरी आउट करने के लिए मैंने आपको जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था तो मैंने आपको बोला था जो मिड गट और हाइंड गट है उसके जंक्शन पे आपको कुछ 100 टू 150 फिफ्टी येलो थिन फिलमेंट स्ट्रक्चर देखने को मिलते थे दो मैलफीजन ट्यूब्यूल्स राइट और ये पार्टिसिपेट करते हैं इन एक्सक्रीशन यानी कि क्या करते थे ये जो इनका हीमोलिम्फ होता है ना कॉकरोच का द ब्लड उसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट आउट करते हैं राइट right? और ये जो मैलफीजन टिब्यूल्स हैं अगर इनके सेल्स की लाइनिंग देखें आप अंदर से तो दे आर लाइंड बाय ग्लैंडुलर एंड सीलिएटेड सेल्स यानी कि ऐसे सेल्स जो कि यू नो सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं एंड दे पोजेस सीलिया सो दे आर लाइन बिथ ग्लैंडुलर एंड सीलिएटेड सेल्स वी आर टॉकिंग अबाउट द मैल्फी जिनट ओके ओके तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये आपके नाइट्रोजनज वेस्ट को अब्जॉर्ब करते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं इन यूरिक एसिड और इस यूरिक एसिड को फर्दर रिलीज करने के लिए आपको पता ही है आपके पास यहां पर हाइंडगट प्रेजेंट है ही है सो मैलफीजन टूबल कहा प्रेजेंट है मिड गट और हाइंड हाइंडगट के जंक्शन पे सो दिस इज मिड गट एंड दिस इज हाइंड हाइंडगट स्टार्टिंग और इसके जंक्शन पे आपको ये जो फाइन येलो फिलम स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं विच आर रफली वन टू वन इन नंबर और कुछ और भीशन में हेल्प करते हैं दे आर नेम्ड एज फैट बॉडीज नेफ्रोसाइड एंड यूरिकोस डू रिमेंबर दिज नेम एज वेल तो चलिए बच्चों अब हम एम करते हैं विद ने सिस्टम दैट इज दर्वस सिस्टम सो नर्वस सिस्टम काक्रोच का

न्यूरोन्स आर द गैंग्लिया ठीक है तो यहाँ पर इस प्रकार आपको यू नो नाइन पेयर्स ऑफ गैंग्लिया देखने को मिल रहे हैं विच आर गोइंग टू बी प्रेजेंट इन डिफरेंट सेगमेंट्स एंड वो जो पेयड गैंग्लिया हैं वो आपस में फ्यूज है ठीक है दिस इज हाउ आप ये पॉइंट को समझ सकते हैं एंड ये सारे गैंग्लिया आपस में कनेक्टेड हैं बाय अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड यानी कि एक ऐसी नर्व कॉर्ड जो कि वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है याद है आप सभी को जब मैंने आपको कॉकरोच का सर्कुलेटरी सिस्टम बताया था तो मैंने बताया था कैसे यू नो डोर्सल एंड वेंट्रल सेप्टम की वजह से जो बॉडी कैविटी होती है कॉकरोच की वो तीन साइनसिस में डिवाइडेड होती थी यू नो डोर्सल वन वॉज कॉल्ड दैरी कार्डियल साइनस जो वाला होता था, we used to call the sinus जो था, the sinus. तो sinus जो 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 वेंट्रल वेंट्रल साइड साइड पे प्रेजेंट तो यानी कि कैविटी या ओपन स्पेस डेवलप होती थी उसमें प्रेजेंट होती है ये डबल ठीक है तो देखिए, यहां पर अगर रिप्रेजेंट किया जाए इन नाइन पेयर्स को तो देखिए जो स्टार्टिंग के तीन पेयर्स तो थ्री पेयर्स वुड बी इन द फोर एक्स एंड जो रिमेनिंग सिक्स पेयर्स हैं दे आर गोइंग टू बी इन दबिन तो ये थ्री पेयर है इन थ्री पेयर्स में से हर पेयर जो है वो एक थोड़े सेगमेंट में है मेटा में और एबडोमिनल सेगमेंट्स की बात की जाए तो यहां पर जो सिक्स सेगमेंट्स है जिनमें आपको ये देखने को मिलेगी दे आर गोइंग टू बी फ्रॉम वन टू फिफ्थ एबडोमिनल सेगमेंट एंड द सेवेंथ सेगमेंट में भी आपको एक फ्यूज पेयर ऑफ गैंगलिया देखने को मिलेगा इनडोमिनल सेगमेंट no ये आपको याद रखता है ठीक है सो आप अगर को देखते हैं कॉकरोच की तो यहाँ देखिए आपको ऐसे देखने को मिल रहे हैं इस तरीके से so, ये है जो कि आपस में देखिए कैसे फ्यूज है राइट right? और ये आपस में सारे गैंग्लिया कनेक्टेड है बाई दिस डबल ट्रल नर्व कॉड सो वन एंड द सेकेंड वन सो दीज आर दबल वेंट्रल नर्व कॉड जो कि इन फ्यूज पेड गैंगलिया को कनेक्ट कर रही है टुगेदर सो so, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है रिगार्डिंग दी कॉक्रोचेज जो कॉकरोच का हेड होता है वो इनके नर्वस सिस्टम का बहुत ही छोटा सा पार्ट होल्ड करता है सो हेड होल्ड अबेट ऑफ नर्वस सिस्टम ऑफ द कॉकरोच वाइल रिमेनिंग जितना भी पार्ट है नर्वस सिस्टम का द मेजोरिटी ऑफ पार्ट लाइज इन द वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी जहाँ जिसको हमने बुलाया था द पेरी न्यूरल साइनस राइट तो वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है द मेजोरिटी पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम और हेड के पास सिर्फ छोटा सा ही पार्ट है एंड नाउ यू गेट टू नो कि क्यों काक्रोच जो हैं वो एक वीक तक सर्वाइव कर सकते हैं इवन आफ्टर वी रिमूव देअर हैड राइट द रीजन इज दिस ओनली बिकॉज उनका हेड रीजन में उनके नर्वस सिस्टम का मेजोरिटी पार्ट है ही नहीं देव ओनली अ वेरी टाइनी बिट ऑफ दैट नर्वस सिस्टम द एंटायर नर्वस सिस्टम इज लाइंग ऑन इट्स बेली साइड ओके उनके वेंट्रल साइड पर लाई कर रहा है एंड दैट इज वाई दे सरवाइव फॉर सो मैनी डेज इवन आफ्टर वी रिमूव देर हैड ठीक है ओके अगर बात की जाए इनकी ब्रेन की तो जो ब्रेन होता है कॉकरोच का वो रिप्रजेंट करता है एक गैंगलियन जिसे हम बुलाते हैं द सुपरा

उन तक नर्व सप्लाई करते हैं दिस सुप्रा ईसोफेजियल गैंगलिया ओके आई होप इट्स क्लियर

थर्मल और साथ ही साथ ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर प्रोसेस करते हैं दैट मीन्स ये टच स्मेल और टेम्परेचर चेंजेस को ईजीली परसीव कर सकते हैं राइट एंड दे इवन हैड कंपाउंड आइज ओके तो इनके पास कंपाउंड आईज होती हैं टू हैव द विजुअल, यू नो इफेक्ट्स साथ ही साथ दे हैव मैक्सिलरी पैग्स

ियसली नाम बता रहा है कि ये सिंगल आई से मिलकर नहीं बना होगा इट इज गोइंग टू बीम्पोजिट स्ट्रक्चर जो कि मल्टीपल आई लाइक बन रहा है तो so आप देखेंगे ये जो है, है। पहली चीज़ इसकी position head के dorsal surface पे है. तो देखिए आप यहां पर इस figure में देखेंगे तो ये कॉकरोच का सपोज हेड रीजन है तो इसका जो डॉरसल सर्फेस है, है उसमें आपको लार्ज यू नो कंपाउंड आई देखने को मिलती थी ना तो पोजिशन इज गोइंग टू बी डॉर्सल और ये जो कंपाउंड आई है ये बहुत सारे ना हेक्सागोनल रिपीटेड यूनिट से मिलकर बन रही है विच इज कॉल्ड दी दी कॉल्ड और इन स्ट्रक्चर को हम दिंग बोलाते हैं तो देखिए ये कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स की रिपीटेशन से आपको देखने को मिलती है सो दीज आर रिपीटिंग यूनिट्स जो कि बनाती हैं दी कंपाउंड आई ऑफ कॉकरोच एंड दीज आर कॉल्ड दिडिया मल्टीपल एक साथ लेबल कर रहा हूं ओमा टिडिया ओके तो हर जो यूनिट होती है ओमा टिडिया की वो अपने सामने रखे ऑब्जेक्ट के कुछ पार्ट की ही इमेज को फॉर्म कर पाती है तो दैट मीन यू नो हर ओमा टिडिया उस ऑब्जेक्ट के छोटे छोटे पार्ट्स की इमेज बनाती है और ये जो हर उमर है ये उस इमेज को जो उसने छोटा सा पार्ट बनाया है ना उसको यू नो सेंड करती है टू द ब्रेन और जो ब्रेन होता है वो उन सारी इमेजेस जो हर ओमटेडिया ने बनाई है उस ऑब्जेक्ट की उन सभी को इंटीग्रेट करती है टू फॉर्म अ कंप्लीट इमेज तो, तो दैट मींस ये एक जिग्स ऑफ पसल की तरह है जैसे जिग्स ऑफ पसल में क्या होता है छोटी छोटी स्मॉलर जो इमेजेस होती हैं उनको हम यू नो जॉइन करते हैं अरेंज करते हैं जिससे बनती है एक लार्जर पिक्चर और दीप लार्जर इमेज सिमिलर केस तो यहाँ पर अबाउट आपको ये ये जो है ना ये आपको 2000 इन नंबर नजर आएंगे और जो ये विजन बना रहे हैं ना जिसमें कि आपको छोटे छोटे इमेजेस जिनो ज्वाइन करके इंटीग्रेट करके एक लार्जर इमेज बना रही है कंप्लीट ऑब्जेक्ट इस विजन को हम कहते हैं मोजाइक विजन और ये जो मोजाइक विजन होता है ये ज्यादा प्रोमिनेंट होता है एट द टाइम ऑफ नाइट इसका मतलब दैट इज वाई इस विजन को हम नॉक्टर्नल विजन बुलाते हैं एंड दैट इज वाई यू गेट टू नो कि जो कॉकरोचेस होते हैं ना Why they are nocturnal in nature? राठी को, को क्यों निकलते हैं of vision, right? और ऐसे विजन की खासियत क्या है ऐसे विजन में जो क्लैरिटी होगी ना इमेज की वो ज्यादा क्लियर नहीं होगी That means the resolution of the image is going to be less. क्योंकि देखिए, आपने देखा है ना जैसे आप किसी object, किसी भी इमेज को जूम करते जाए जूम करते जाए तो आखिरी में आके ना उसकी image ज्यादा clear नहीं होती है ऐसा ही कुछ यहां पर भी देखने को मिलेगा तो यहां पर क्योंकि मल्टीपल इमेजेस बन रही है ना तो जो क्लैरिटी ऑफ इमेज है दैट इज नॉट गोइंग टू बी वेरी गुड तो दैट मीन्स द रेजोल्यूशन वुड बी वेरी लेस बट जो सेंसिटिविटी होती है इन की दैट इज गोइंग टू बी वेरी हाई तो इसीलिए जब इन कॉकरोचेज के सामने कोई भी यू नो ऑब्स्टिकल आ रहा होता है या कोई भी ऑर्गेनिज्म आ रहा होता है दे आर वेरी सेंसिटिव टू हिट और इसीलिए ये बहुत जल्दी रन भी करते हैं यू you नो। know, और इसीलिए मुश्किल भी होता है इनको अच्छे से पकड़ पाना बिकॉज दे रन सो फास्ट क्योंकि ये परसीव कर सकते हैं दे आर वेरी सेंसिटिव बिकॉज दे हैव दिज सेंसिटिव आइज तो सेंसिटिविटी इनके आई का अगेन एक वेरी इंपॉर्टेंट फीचर है बट रेजोल्यूशन वुड बी वेरी लेस दिस इज एन इंपॉर्टेंट फीचर रिगार्डिंग द कंपाउंड आइज आई होप दिस इज क्लियर तो आइए बच्चों बिगिन करते हैं विद द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच तो कॉकरोचेस बेसिकली होते हैं मींस इनके पास आपको सेक्सुअल डायमोर्फिज्म देखने को मिलेगी दैट मींस मेल्स आर गोइंग टू बी सेपरेट फ्रॉम द फीमेल्स तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं द the... मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है कॉकरोच का वो कंसिस्ट करता है ऑफ दि फॉलोइंग फाइव तो सबसे पहले आपको देखने को मिलता है, एक testes, right? तो जो होते है वो प्रेजेंट होती है ऑन दी लेटर साइड और वो कौन सेगमेंट्स में प्रेजेंट होंगी फ्रॉम द फोर्थ टू सिक्सिनल सेगमेंट्स तो देखिए अगर आप इस फिगर को देख रहे हैं तो यहां पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और यहां पर आपको फोर्थ सेगमेंट टू सिक्स तक दैट इज वी आर टॉकउट दू सिक्स ओके सो फ्रॉम द बेस ऑफ दीज टेस्टिस इन टेस्टिज के बेस से आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है विच आर गोइंग टू बी कॉल दी वास्ट डेफरेंस सो so, ये है वास डेफरेंस जो कि स्पर्म्स को क्योंकि आपको पता है टेस्टिस का काम क्या है टू प्रोड्यूस द स्पर्म्स और स्पर्म्स को कैरी करके ले जाने का काम करेंगे दीज वास डेफरेंस सो so, दीज आर दी टेस्टिस ये है द वास डेफरेंस ओके, okay? सो so, अब ये जो वास्ट डेफरेंस है ये आपस में ज्वाइन होके ओपन होते हैं थ्रू दिस कॉमन यू नो डक्ट डिच इज कॉल्ड दी डक्ट। सो so, ये जो डक्ट प्रेजेंट है यहां पर दिस इज कॉल्ड दी डक्ट, राइट? और ये इजैक्यूलेटरी डक्ट ओपन होती है थ्रू एन ओपनिंग कॉल्ड दी मेल गोनोपोर वॉट इज गोनोपोर ठीक है सो आई होप इतनी चीज आपको समझ में आई होगी ना देखिए ये जो आपके वास डेफरेंस जा रहा है इनके जंक्शन पे आपको एक मशरूम शेप्ड ग्लैंड देखने को मिल रही है जो कि एक्सेसरी इन नेचर है ओके okay? तो ये जो आपको मशरूम शेप्ड ग्लैंड देखने को मिल रही है ये सेंट्रली बनी हुई है ऑफ देंट्रल शॉर्टर टिब्यूल्स छोटे छोटे से मिलकर बन रही है ओके okay? सो so, ये जो शॉर्टर टिब्यूल्स हैं, दे आर सेंट्रल सो दीज आर शॉर्ट सेंट्रल टिब्यूल एंड इनको सराउंड करते हुए आपको यहां पर कुछ लॉन्गर टिब्यूल्स नजर आ रहे हैं सो दीज आर सिंस प्रेजेंट ऑन दी पेरीफेरी इन टिब्यूल्स को हम बुलाते हैं द पेरीफेरल ट्रिब्यूल्स सो दीज आर दी लॉन्ग लौंगफेरल ट्रिब्यूल्स ओके एंड फाइनली इनको भी सराउंड करते हुए आपको नजर आएंगी दी सेमाइनल वेसिकल्स तो so, यहां पर आपको फाइनली नजर आती हैं दी सेमाइनल वेसिकल्स तो so, यहां पर ये रिप्रेजेंट कर रही हैं Seminal vesicles, okay? तो ये जो समाइनल वेसिकल्स है इनका काम होता है टू स्टोर द स्पर्म्स तो ये यूनो you स्पर्म्स know, को स्टोर कर करके रखती है उनको ग्लू कर देती है टूगेदर इन टू स्ट्रक्चर मैटोफोर्स तो देखिये यहां पर आपको पेर ऑफ वास्ट डेफरेंस देखने को मिला है एक कॉमन एजैक्यूलेटरी डाक देखने को मिला जो कि ओपन होता है इन टू द मेल जेनाइटल पोर थ्रू दिस ओपनिंग कॉल द मेल गोनोपोर राइट ओके देन वी हैव लॉन्ग पेरीफेरल टिब्यूल एंड साथ ही साथ दिनल वेसिकल्स तो सेमाइनल वेसिकल्स में स्पर्म स्टोर किए जाते हैं ग्लू किए जाते हैं टूगेदर और स्टोर कर लिए जाते हैं एंड रिलीज किए जाते हैं एट द टाइम ऑफ पॉप्यूलेशन ठीक है तो जिस ग्लू करने के बाद जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है दो वॉट आर दे कॉल्ड स्परमैटोफोर्स राइट और एक और ग्लैंड आपको देखने को मिलती है अब दिस मशरूम ग्लैंड जिसकी डक्ट देखिए पीछे से यहां पर ऐसे फ्रंट में आके ओपन हो रही है ओवर हियर। सो दिस ग्लैंड इज कॉल्ड द फैलिक ग्लैंड तो so, ये जो फैलिक ग्लैंड है इसका सिक्रीशन जो है वो स्पर्म्स के इन स्पर्माटो फोर्स के चारों तरफ एक लेयर बना लेता है दैट हार्डेंस ओके जो कि हार्डन हो जाती है राइट right? तो जो स्पर्म्स हैं जो सेमाइनल वेसिकल में स्टोर्ड हैं साथ ही साथ उनमें इन दो सेंट्रल और पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स का सिक्रीशन भी पोर किया जाएगा और साथ ही साथ लास्ट में जो आउटर मोस्ट लेयर होगी वो ग्लैंड की सिक्रीशन की होगी जो कि लेटर ऑन हार्ड एंड हो जाती है सो दैट इज हाउ दे आर यू नो रिलीज एट द टाइम ऑफ पॉपुलेशन सो नाउ बचो इट इज वी बिगिन विद नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है कॉकरोच का इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज फर्स्ट ऑफ ऑल ओके तो ये जो पेयर ऑफ ओवरीज हैं ये लार्ज है पहली चीज और ये लाया करती है अगेन ऑन द लेटरल साइड ओके okay, और ये आपको देखने को मिलेंगी फ्रॉम द सेकेंड टू सिक्समिनल सेगमेंट्स तो देखिए यहां पर आप देखेंगे तो फ्रॉम टू सिक्स सेगमेंट आपको करती हुई दिख रही हैं दी अबडोमिनल सेगमेंट तो देखिए फ्रॉम हियर टू हियर आपको देखने को मिल रही हैं दीज पेयर ऑफ ओवरीज दीज आर ओवरीज और ये जो ओवरीज हैं ये मिलकर बनी हुई होती हैं ऑफ एट

ओवा और दी एक तरीके के जो ओवेरियल होते हैं वो मिलकर बनाते हैं टू बूल्स और दिन के अंदर आपको देखने को मिलेंगे चेंज ऑफ डेवलपिंग ओवा ठीक है एंड अगर हम बात करें सेकेंड पार्ट की तो देखिए दैट इज ओवीडक्ट तो इन ओवरी के बेस से आपको जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर नजर आते हैं कॉल द ओविडक्ट तो ये हैं द ओविडक्ट ठीक है एंड ये ओविडक्ट आपस में आके फ्यूज हो जाते हैं टू फॉर्म अ कॉमन सिंगल मीडियन ओविडक्ट जैसे हम वजाइना भी बुलाते हैं तो दिस इज वजाइना। ओके आप इसको सिंगल मीडियन ओविडक्ट भी कह सकते हैं राइट सो ओविडक्ट अराइज करते हैं फ्रॉम द बेस ऑफ ईच ओवरी एंड दे यूनाइट टू फॉर्म अ सिंगल मीडियन ओविडक्ट्स जैसे हम वजाइना भी बोलते हैं एंड ये जो वजाइना है दिस ओपनस इनटू द जेनिटेल चेंबर थ्रू एन ओपनिंग कॉल्ड द फीमेल गोनोपोर तो देखिए यहां पर ये ओपन करता होता है इनटू दिस फीमेल जेनिटेल पाउच थ्रू दिस ओपनिंग कॉल्ड द फीमेल गोनोपोर होप ये सारे स्ट्रक्चर्स अभी तक आपको क्लियर हुए हैं आइए देखते हैं कुछ और पार्ट्स को जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं तो कुछ बायोलोब्ड स्ट्रक्चर हैं। तो देखिए यहां पर आपको एक बायोलोब्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसको मैं यहाँ सेपरेटली ड्रॉ कर देता हूँ तो यहां पर ये जो, structure है, ये आपको जो दो लोब्स नजर आएंगे आर गोइंग टू बी डिफरेंट इन द साइजेस और यह ओपन होती है इन टू अमन डाक्ट कॉल दी स्पर्मा पोर ओके तो इसकी जो ओपनिंग है ओपनिंग you know, uh, तो को हम कहते हैं द स्पर्माथिकल पोर और ये है स्पर्माथिके सिंगुलर वुड भी स्पर्माथिका राइट दिस इज थीके, ओके तो ये जो स्पर्मा थीके हैं इनका काम क्या है ये कॉप्युलेशन के टाइम जो स्पर्म्स रिलीज किए जाते हैं ना याद कीजिए मेल के केस में स्टोर करके कौन रखता था स्पर्म्स को ताकि वो रिलीज किया जा सके एट द टाइम ऑफ लाइक कॉप्युलेशन तो उस टाइम पे स्टोर करते थे समाइनल वेसिकल्स द स्पर्म्स राइट और वो जो स्पर्म्स हैं वो रिलीज हो जाते थे एज परमेटोफोर्स ज्यूरिंग कॉप्युलेशन और उन स्पर्मैटोफोर्स को स्टोर करके रखते हैं फीमेल की बॉडी में दिस -like structures called the sperma, और इनको स्टोर तब तक करके रखते हैं जब तक कि ओवरी से एग रिलीज ना हो सो यह स्टोर करके रखेंगे जब ओवरी ने एग रिलीज किया हो दैट मीनस ओवरी ने ओव्यूलेशन किया हो दैट मीन रिलीज ऑफ द एग इज कॉल्ड ऑव्यूलेशन राइट सो दे स्टोर स्पर्म्स एंड रिलीज दम एट द टाइम ऑफ ऑव्यूलेशन ओके सो दिस इज द फंक्शन ऑफ दिस स्पर्माथिक लास्टली वी so, है पेयर ऑफ कोलेट्रल ग्लैंड कोल ग्लैंड है ना तो ये सिक्रीट करेंगे कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली इनका जो सिक्रीशन है वो यू नो लेटर ऑन जो फर्टिलाइज एग हो जाता है मीन फर्टिलाइजेशन हो जाता है एग और स्पर्म के बीच में जो जयगोड बनता है उसके चारों तरफ एक यू नो केस डेवलप किया जाता है ताकि वो प्रोटेक्ट किया जा सके अनटिल इट डेवलप इन टू अदर यू नो लार्वल स्टेज जिसको हम निम्फ बुलाते हैं तब तक के लिए वो कवर्ड होता है केस द और उस उसकल केस को फॉर्म करने के लिए सिक्रीशन फ्रॉम द कोलेट्रल ग्लैंड इज यूज सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द कोलेट्रल ग्लैंड तो बच्चों आइए देखते हैं ऊथिका के बारे में तो ऊथिके बेसिकली क्या है डार्क रेडिश टू यू नो ब्लैक ब्राउन आपको कुछ कैप्सूल देखने को मिलेंगे जो कि रिलीज़ किए जाते हैं और वो अक्सर आपको ग्लूड नजर आते हैं टू द क्रैक्स एंड द क्रेविसेज यानी कि कुछ जगह पर कभी क्रैक हो कुछ क्रेविसेज डेवलप हुए हैं उनमें ये ड्रॉप किए जाते हैं और वहां पर ये स्टक हो जाते हैं और ये यूजुअली हमेशा हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी वाली प्लेसेस जो कि नियर है टू द फूड सोर्स वहां पर आपको देखने को मिलेंगे तो देखिए ये कॉकरोच जो है ना वो इस तरीके से ये ब्लैकिश और सॉर्ट ऑफ ब्राउनिश रेडिश ब्राउन आपको बॉडीज रिलीज करती हुई नजर आती है एंड दीज आर कॉल्ड द ऊथिके और सिंपली ऊथिका ओके तो एक यू नो नॉर्मल जो फीमेल होती है वो करीबन नाइन टू टेन ऊथिक प्रोड्यूस करती है जिनमें करीबन फोर्टीन टू सिक्सटीन एक्स प्रेजेंट होते हैं सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि आपको मालूम होना चाहिए तो आइए बच्चों अब हम देख लेते हैं दी डेवलपमेंट ऑफ कॉकरोच तो कॉकरोच का जो डेवलपमेंट है दैट इज पोरोमेटाबुलस सो पोरोमेटाबुलिस डेवलपमेंट या मेटामॉर्फोसिस क्या होता है भाई एक ऐसा ग्रेजुअल मेटामोरफोसिस जिसमें कि आप देखेंगे जो लार्वा होता है ना उसे हम बुलाते हैं निम्फ बिकॉज ऐसा जो लार्वा है वो अपने अडल्ट फॉर्म को बहुत हद तक रिजेंबल करता है बस डिफरेंस क्या होता है दैट इट कैन नॉट रिप्रोड्यूस वो सेक्चुअली मेच्योर नहीं होता है इट इज़ इमेच्योर साथ ही साथ उसमें आपको विंग्स डेवलप होते हुए नहीं दिखते हैं दे आर गोइंग टू हैव विंग पैड्स जो कि आपको बहुत ही लेटर स्टेजेस में देखने को मिलते हैं राइट right? सो so, इनका डेवलपमेंट कहलाता है पोरोमेटोब्लस क्योंकि डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा

इट रिजेंबल दी अडल्ट और ये करीबन थर्टीन टाइम्स मोल्टिंग शो करता है टू रीच दी अडल्ट फॉर्म ओके और जो नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज है यानी कि एकदम लास्ट से थोड़ी सी पहले वाली राइट सो नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज में आपको विंग पैड्स देखने को मिलेंगे बट विंग्स आपको सिर्फ और सिर्फ एक अडल्ट कॉकरोच में नजर आएगा दैट मीन्स इनके लार्वल स्टेज में आपको विंग का फॉर्मेशन नजर नहीं आएगा विंग पैंट डेवलप होते हुए नजर आ सकते हैं इन दी लास्ट टू यू नो नेक्स्ट टू लास्ट लार्वल स्टेज बट वहां पर आपको विंग्स ओरिजिनल विंग्स या ट्रू विंग्स नजर नहीं आएंगे यू विल फाइंड ओनली विंग पैड्स और आपको अगर ट्रू विंग्स देखने हैं तो दैट विल बी ओनली सीन इन केस ऑफ दी अडल्ट कॉकरोच तो दिस फिगर इज रिप्रेजेंटिंग अ अम्स आई होप ऑल दीज थिंग्स रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉकरोच इज क्लियर तो आइए बच्चों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक एडिशनल कॉन्सेप्ट जो कि एक इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट है फ्रॉम डिफरेंट चैप्टर्स तो यहां पर हम एनिमल किंगडम जो हमने एक चैप्टर पढ़ा था उसके कॉन्सेप्ट्स को यहां इंटीग्रेट करेंगे विद द कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस चैप्टर राइट क्योंकि हमने यहां पर पढ़ा है अबाउट कॉकरोच और कॉकरोच मेंबर होता है ऑफ द फाइलम जो को करता है। इसलिए हम इंटीग्रेट के, के 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 और हम इनको you know, आपस में रिलेट करेंगे ताकि एग्जामिनेशन में अगर इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आपसे वो बिल्कुल भी मिस ना हो राइट तो मैंने यहां लिखा हुआ है कॉकरोच जैसा प्रोटोस्टोम तो देखिए पहली चीज तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमने ये डिविजन किया कैसे तो मैंने आपको बताया था किंगडम एनिमेलिया के टाइम पे एक क्राइटेरिया दैट इज सीलोम फॉर्मेशन सीलोम याद है आप सभी को द बॉडी कैविटी और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास एक ट्रू सीलोम होता था उन्हें हम बुलाते थे यू सीलोमेट बिकॉज यू मतलब होता है ट्रू राइट सो ऐसे यू सीलोमेट्स जिनके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है सो यू सिलोमेट्स विथ कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट Complete digestive tract जानते हैं आप सभी? ऐसा जिसके पास दो है। कौन कौन सी है वो दो One is mouth वन इज माउथ is इज गोइंग टू बी So माउथ के थ्रू फूड वुड बी टेकन इन एंड एनस के थ्रू undigested फूड वुड बी released आउट राइट सो ऐसे organisms के पास जो कि ट्रू सिलोमेट्स हैं एंड साथ ही साथ उनके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है अब देखिए इन दो ओपनिंग्स में से कौन सी ओपनिंग पहले डेवलप होती है उस बेस पे हम क्लासिफाई करते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म को इनटू टू टू ब्रॉड कैटेगरी अगर आप देखोगे वो दो कैटेगरी के नाम तो यू विल फाइंड टू नेम्स एज प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूटीरोस्टोम तो प्रोटो वर्ड का मतलब अगर आप समझें तो प्रोटो मतलब होता है फर्स्ट एंड स्टोम मीन्स माउथ इसका मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स के केस में माउथ वुड बी फॉर्म फर्स्ट फॉलोड बाई राइट तो यानी कि यहां पर माउथ पहले बनेगा एनस बाद में और ये कौन से फाइल के मेंबर शो करते हैं इस और वो मेंबर था ऑफ दोपोट इसका मतलब ये होगा एक प्रोटोस्ट्रोम एंड वाई इज अ प्रोटोस्ट्रोम जिनके केस में क्या फॉर्म होगा पहले माउथ माउथ इज गोइंग टू बी फॉर्मड फर्स्ट वाइल अगर हम बात करें सेकेंड कैटेगरी की दैट इज ड्यूटीरोम तो ड्यूटीरो वर्ड का मतलब होता है सेकेंड एंड स्टोम की माउथ वुड बी फॉर्म्ड सेकंड मीनस पहले कौन फॉर्म होगा एनस ओके तो यहां पर एनस का फॉर्मेशन फर्स्ट देखने को मिलेगा एंड दिस फीचर वुड बी सीन बाई देंबर्स ऑफ फाइलम एकटा एंड कॉर्डेटा ओके सो ये फीचर्स आपको याद रखते हैं आई होप दैट्स क्लियर ओके okay, अब हम देखते हैं इनके एम्ब्रायोनिक स्टेजेस में कैसे ही सारे फीचर्स डेवलप होते हैं ठीक है तो सबसे पहले हम देखते हैं अबाउट द क्लीवेज इन द प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूटीरोस्टोम्स राइट सो प्रोटोस्टोम्स के केस में आपको कैसी क्लीवेज देखने को मिलेगी तो आपको पता है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ बिगिन करता है फ्रॉम अ सिंगल सेल विच इज दर्टिलाइज एल्डोटेड तो देखिए सपोज यहाँ पर ये जायकोट है ओके okay, अब इस में पहली क्लीवेज मान लेते हैं ऐसी वर्टिकल होती है जिससे कि एक सेल से आपको नजर आते हैं फॉर्मेशन ऑफ टू सेल दिस इज़ द टू टू सेल सेल स्टेज राइट अब इस में भी मान लीजिए ऐसी हॉरिजॉन्टल क्लीवेज होती है सो so, इससे डेवलप होता है द फोर सेल स्टेज कुछ इस तरीके से एंड नाउ ये फोर सेल स्टेज जो है ये फर्दर डिवाइड करके फॉर्म करेगी द एट स्टेज स्टेज अब सेल में जो सेल्स हैं वो किस तरीके से अरेंज्ड हैं वो यहां पर हम देखने वाले हैं तो वी आर गोइंग टू बी चेकिंग कि सेल स्टेज में सेल्स का अरेंजमेंट कैसा है तो प्रोटोसोम के केस में आप देखते हैं स्पाइरल क्लीवेज मतलब देखिए यहां पर जो आपको सेल्स है ना एट सेल्स वो आपको दो यू you नो know, दो स्टैक्स में अरेंज नजर आएंगे सो so आपको यहां पर दो बेसिकली आप देखिए यहां पर फोर सेल्स जो हैं, दे आर गोइंग टू फॉर्म द आप देखिए ये जो सेल्स हैं इस लोअर टीयर के वो एग्जैक्टली exactly इसके आप देखिए इसके ऊपर वाले जो सेल्स हैं वो एग्जैक्टली exactly एक दूसरे के ऊपर या नीचे नहीं है सो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड द स्पाइरल क्लीवेज और ऐसे अरेंजमेंट में से सपोज अगर मैं एक सेल को बाहर निकाल लेता हूं सो so, इस सेल का एक डिटर्मेंट फेट होगा सो दिस इज गोइंग टू हैव अ डिटर्मेंट फेट मतलब क्या हुआ डिटर्मेंट पेट का दैट मींस इट इज प्री डिसाइडेड कि ये सेल आगे जाके कौन सा टिश्यू या ऑर्गन फॉर्म करेगा तो so, इसका फेट ऑलरेडी डिसाइडेड है बट अगर हम बात करें अबाउट तो deuterostorms के, के केस में आपको देखने को मिलेगी रेडियल क्लीवेज रेडियल वर्ड का मतलब देखिए यहां पर जो आपको दो टीयर में ये सेल्स अरेंज है ना और फोर ईच तो यहां पर जो दोनों टीयर के सेल्स हैं दे आर गोइंग टू बी एग्जैक्टली वन अबव द तो इसका मतलब देखिए इस अपर टीयर का ये वाला सेल और इस लोअर टीयर का ये वाला सेल देखिए एग्जैक्टली वन अबव अनादर है सिमिलरली आपको रिमेनिंग जितने भी सेल्स हैं ना वो इन एट सेल स्टेज में आपको दोनों टीयर के एक दूसरे के ऊपर स्ट्रैक्ट नजर आएंगे सो दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड द रेडियल क्लीवेज और यहां पर अगर मैं एक सेल को बाहर निकाल लेता हूं तो उसका फेट इनडिटर्मेंट है दैट मींस वो उसका कोई फिक्स्ड फेट नहीं है कि आगे जाके वो कौन सा टिश्यू या ऑर्गन बनाएगा दैट मींस ऐसे सेल को अगर हम रिलीज करते हैं तो वो एंटायर ऑर्गेनिज्म को ही

क्योंकि आपको याद होगा जब मैंने आपको अपना एनिमल किंगडम का वीडियो में पढ़ाया था कि कैसे डिफरेंट का हॉलो बॉल स्टेज याद है आप सभी को होलो बॉल स्टेज मतलब यहां पर जो आपको सेल का मास है ना वो एक बॉल के फॉर्म में नजर आएगा जो कि अंदर से होलो है ओके दैट मीन उसके सेल जो है वो सिर्फ पेरी में अरेन्ज है so होलो बॉल स्टेज तो आप इमेजिन कर सकते हैं एक बॉल जो कि हॉलो है और आप देखोगे वहां पर जो सेल का अरेन्जमेंट है वो आपको सिर्फ और सिर्फ इधर पेरीफेरी में अरेज नजर आएगा सो ओनली द पेरीफेर रीजन इज गोइंग टू कंटेन दीज सेल्स सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द ब्लास्टूला स्टेज और अंदर ये जो कैविटी खाली पड़ी हुई है दिस इज कॉल्ड द ब्लास्टोसील नाउ फर्दर डेवलपमेंट में आप देखोगे कि ये जो ब्लास्टो या फिर ब्लास्टुला है ना इसके एक तरफ के सेल्स अंदर की तरफ ऐसे इनवेजिनेट करेंगे तो व्हाट विल हैपन इज मैं इसको यहां पर आपको एक लाइन डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर देता हूं दैट ये ब्लास्टुला स्टेज आप देखोगे ऐसे अंदर की तरफ इन कर रही है मींस वाले सेल अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड हो गए हैं ओके okay? और इस इन को हम कहते हैं गैस्टुलेशन राइट right? और यहां पर आप देखोगे जिस पॉइंट से ये अंदर की तरफ वैजिनेट होना स्टार्ट हुई है इस ओपनिंग को हम बुलाते हैं द ब्लास्टोपोर ओके एंड यही वो ब्लास्टोपोर या ओपनिंग है जो कि डिटर्मिट होती है यानी कि वो डिटर्मिन करती है कि वो किस स्ट्रक्चर में डेवलप होगी तो प्रोटोस्टोम के केस में यही ब्लास्टोपोर क्या बनेगा द माउथ देखिए डेवलपमेंट में पहला जो ओपनिंग बन रहा है दैट इज ना अब ये ब्लास्टोर अगर माउथ में पहले कन्वर्ट हो जाता है दैट मीनस वो होगा एक प्रोटोस्टोम का फीचर राइट right? एंड अगर ये वाला ओपनिंग यानी कि ब्लास्टोपोर डेवलप होता है इनटू एनस दैट मीनस वो ड्यूटोर का फीचर है तो फेट ऑफ ब्लास्टोपोर देखिए यहां पर माउथ डेवलप होता है फ्रॉम द ब्लास्टोपोर और ब्लास्टो

ओके okay, तो आपको पता है यहां पर जो बाहर वाले सेल्स हैं वो लेटर ऑन डिफरेंट हो जाएंगे इन टू दी आउटर जर्म लेयर इज कॉल्ड एक्टोडर्म ये अंदर वाले जो इस को कवर करेंगे बी तो एंडोडर्म और यहां देखिए अगर क्योंकि हम प्रोटोस्टोम के बारे में यहां पर फीचर ले रहे हैं तो आप देखोगे यहां पर कुछ मास ऑफ सेल आपको देखने को मिलेगा सो देर विल बी अ मास ऑफ सेल जो कि है ना अंदर से स्प्लिट करेगा फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए यहां पर देर वॉज दिस मास ऑफ सेल ओके एंड लेटर ऑन इसमें अंदर की तरफ से यू नो स्प्लिटिंग स्टार्ट होती है और एक कैविटी का डेवलपमेंट होता है दैट मींस कुछ इस तरीके से कैविटी अंदर डेवलप होती है और जितने भी सेल्स यहां पर प्रेजेंट थे वो ऐसे पेरिफेरी में अरेंज हो जाते हैं सो so, इस टाइप का जो बॉडी कैविटी बन रही है दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द स्किडो सीलो वॉट इज इट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट स्किडो सीलो ओके okay, यानी कि यहां पर आप देख रहे हो कि मास ऑफ मीजोडर्म की स्प्लिटिंग से डेवलप हो रही है जो कैविटी दैट इज कॉल्ड स्किट्जोसिलोम और ये एक प्रोटोस्टोम का फीचर है दैट मींस अगर आप कॉकरोच की बात करेंगे तो कॉकरोच के केस में जो बॉडी कैविटी कहलाएगी दैट इज गोइंग टू बी स्किटोसिलोम बिकॉज वो मीजोडर्म के स्प्लिटिंग से डेवलप होती है और आप जानते हो वर्ड का लिटरल मीनिंग होता है स्प्लिटिंग राइट right? तो ऐसी डेवलप होती है दैट इज कॉल्ड राइट तो यहां देखिए आपको का फॉर्मेशन नजर आ रहा है इन केस ऑफ दी प्रोटोस्टोम जो कि कॉकरोच का भी फीचर होने वाला है राइट एंड लास्टली अगर हम बात करें ड्यूटोरोस्ट्रोम की तो यहां पर एक ऐसी सिलोम आपको डेवलप करती हुई नजर आएगी जो कि इस प्रिमिटिव गट आर्केंटेरॉन के

क्या फेट होगा ब्लास्टोपोर ही माउथ में डेवलप होगा राइट right? एंड अगर बात की जाए इसके सीलोम की बॉडी कैविटी की तो दैट विल बी कॉल्ड द दैटी क्योंकि वर्ड का मतलब मैंने बताया है स्प्लिटिंग ऑफ द और उससे डेवलप होने वाले सीलोम को हम कहते हैं आई होप दैट्स क्लियर तो बच्चों इसी के साथ हमारा चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स होता है फिनिश आई होप इस चैप्टर से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट आपको हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में अंटिल देन आप अपना ध्यान रखिए पढ़ते रहिए और जैसा कि आप सभी जानते हैं लर्नो हाँ फ्री है पर बेस्ट है